देखो भाई, जीएसटी के अमेंडमेंट इंस्टीट्यूट ने कल ही सप्लीमेंट्री निकाली, मतलब स्टैटरी अपडेट निकाला, उसमें अमेंडमेंट्स अमेंडमेंट्स अच्छे हैं। कुछ पॉइंट मेरे को लग रहा है डेफिनेटली एग्जाम्स में आएंगे, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो बहुत सिंपल है, इजी है, मेरे को नहीं लगता आने के चांसेस है। ठीक है, चालू करते हैं सप्लाई चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर में कोई अमेंडमेंट नहीं है, उसमें कुछ होगा भी नहीं सर, अमेंडमेंट उसमें क्या ही आ जाएगा। सेकेंड चैप्टर से अमेंडमेंट है, ध्यान देना सर। सबसे पहली अमेंडमेंट, पहले मैं आपको पुराना याद दिलाता हूँ, फिर नई वाली बातें करेंगे। याद है अपन एक्शनेबल क्लेम पढ़ते थे सर, एक्शनेबल क्लेम अपन शेड्यूल थ्री में डालते थे, और एक्शनेबल क्लेम में आगे अपन बोलते थे अदर देन लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग, याद है? ये तीन को अपन बाहर करते थे, हम बोलते थे ये तीन में जीएसटी है। अब होता क्या था पूरी दुनिया में, पहले दिक्कत समझो फिर सॉल्यूशन समझाऊंगा। अब पूरी दिक्कत दुनिया में हो ये रही थी कि हमने क्या लिखा था, अदर देन लॉटरी बेटिंग और गैम्बलिंग, मतलब लॉटरी बेटिंग और गैम्बलिंग भले ही एक्शनेबल क्लेम है बट उनमें सप्लाई माना जाता है और जीएसटी है ना। दिक्कत ये थी कि हमने एक्शनेबल क्लेम सिर्फ ये तीन जो थे उन्हीं को टैक्सेबल किया था, बट एक्शनेबल क्लेम जैसे कि कैसीनो, हॉर्स रेस, ऑनलाइन गेमिंग, इनको छोड़ दिया था। सरकार का मोटिव नहीं था इनको छोड़ना, बट लैंग्वेज ऐसी थी कि वो छुट गए थे। तो सरकार ने बोला भैया एक काम करते, लेट्स हैव अ चेंज। सरकार ने बोला इस बार हम चेंज करते हैं एक्शनेबल क्लेम, ठीक है, अभी भी शेड्यूल थ्री में, अदर देन स्पेसिफाइड थिंग्स। अब ये जो स्पेसिफाइड थिंग्स है इन्होंने देखो कैसे क्लियर किया। पहले ही आपको बताते सर, अर्लियर शेड्यूल थ्री में एक्शनेबल क्लेम वेयर आउटसाइड द परव्यू ऑफ द जीएसटी, ये हम शेड्यूल थ्री में कवर करते थे, बट लॉटरी बेटिंग और गैम्बलिंग ये एक्सेप्शन हुआ करते थे, जिनको सप्लाई माना जाता था जीएसटी लगता था सर। फिर इन्होंने 5th जीएसटी काउंसिल मीटिंग करी और उसमें इन्होंने बोला भैया द टैक्सेबिलिटी ऑफ थ्री अदर एक्शनेबल क्लेम, सरकार बोल रही है ये भी एक्शनेबल क्लेम है पर भैया इनमें जीएसटी है, ऑनलाइन मनी गेमिंग, कैसीनोस एंड हॉर्स रेसिंग। ऑनलाइन मनी गेमिंग इसलिए बोला सर, ये आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है सर, जैसे ऑनलाइन गेम्स है जिनमें आप पैसा डाल भी सकते हो, विड्रॉ भी कर सकते हो, आप भी सुने होंगे पबजी वगैरह में लोग पैसा डालते हैं टूर्नामेंट वगैरह के लिए फिर विड्रॉ भी करते, सरकार बोली ऑनलाइन मनी गेमिंग, कैसीनोस, कैसीनो तो सबको पता है सर अपन गोवा वगैरह में कैसीनो वगैरह, ठीक, हॉर्स रेसिंग इसमें मुंबई में होती है हॉर्स रेसिंग, इसमें भी बेहद पैसा, ठीक है। एंड द रेट एंड द वैल्यू देयर ऑन वेयर डिस्कस्ड देयर आफ्टर इट वाज रिकमेंडेड दैट एंट्री नंबर 6 ऑफ द शेड्यूल 3 नीड टू बी अमेंडेड टू क्लेरिफाई द टैक्सेबिलिटी ऑफ दिस एक्शनेबल क्लेम। फर्दर द रेट ऑफ रेट कितना एप्लीकेबल किया इनके ऊपर, 28%। आपको लगता है सरकार कम रेट लगाएगी, नहीं सर, सरकार हमेशा ज्यादा रेट चार्ज करेगी सर, ठीक है। तो देखो विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2023 जीएसटी सीजीएसटी अमेंडेड एक्ट, इन्होंने बोला सर पहले ये होता था जहां पर हम ये पढ़ते थे सर, एक्शनेबल क्लेम मींस अदर देन बेटिंग, लॉटरी और गैम्बलिंग, ये हम पहले पढ़ते थे सर, इन्होंने अमेंड किया और अमेंड करके बोला भैया अब से आप इस नाम से जानेंगे इसको, एक्शनेबल क्लेम मींस अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम मतलब सरकार ने बोला स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम वो रहेगा जिसमें लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग कैसीनो हॉर्स रेस ऑनलाइन गेमिंग सब डाल दिए इन लोग उठा के। अब फायदा क्या हुआ सरकार का पता है सर, कभी भी जब सरकार को मन लगेगा कि भैया ये एक्शनेबल क्लेम है, इससे लोगों को तगड़ी इनकम हो रही है, हमें इस पे जीएसटी लगाना है, सरकार ये स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम के क्या बोलते हैं डेफिनेशन में डाल देगी सर, और डेफिनेशन में डालेगी और उस पे जीएसटी लगाएगी। आई बात समझ? तो देखो सर इन्होंने क्या किया, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स मींस द एक्शनेबल क्लेम इन्वॉल्व इन और बाय वे ऑफ बेटिंग, कैसीनो, कैसीनो आया है सर पहले नहीं था, गैम्बलिंग पहले भी था, हॉर्स रेस आया है सर, लॉटरी पहले भी था, ऑनलाइन मनी गेमिंग आई है सर, आया वो मैं बताऊंगा वो स्पेसिफिकली हाईलाइट क्यों, जब वो मेन बुक में जाता है तो वो ग्रीन पूरा ही हो जाता है, ठीक है। तो ये हुआ, समझ आया? तो इन्होंने ये अमेंडमेंट से डाला है सर, ठीक। द टर्म ऑनलाइन गेमिंग हैज बीन डिफाइंड, इन्होंने ऑनलाइन गेमिंग को भी डिफाइन किया, और ऑनलाइन गेमिंग में तो क्या डिफाइन किया, बाप रे बाप, किसी चीज को नहीं छोड़े इन्होंने ऑनलाइन गेमिंग में। देखो ऑनलाइन मनी गेमिंग मींस ऑनलाइन गेमिंग इन विच प्लेयर पेस और डिपॉजिट मनी और मनी वर्थ, मनी वर्थ समझ रहे हो भाई, अगर कोई आदमी अपना सोने का सिक्का रखवा के भी कोई गेम खेल रहा है ना उसको भी घसीट दिए, मनी वर्थ इंक्लूडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट, आओ भाई मैदान में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी सबको घसीट दिए, उसका भी अगर आप कोई गेम खेल रहे हो तो वो भी आएगा इसमें, इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ विनिंग मनी और मनी वर्थ इंक्लूडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट, मतलब आप कहीं से अगर बिटकॉइन जीत रहे हो
तो वो भी कवर्ड। हाँ, इन केस आप कहीं पर भी वर्चुअल डिजिटल एसेट, मतलब आप कहीं से बिटकॉइन भी जीत रहे हो ना, तो वो उसको भी कवर किए। इन एनी इवेंट इंक्लूडिंग गेम स्कीम कॉम्पिटिशन और एनी अदर एक्टिविटी और प्रोसेस, वेदर और नॉट इट्स आउटकम और परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन स्किल। चाहे तुम अपने स्किल से जीतो, चाहे अपनी किस्मत से जीतो, सरकार बोली घंटा फर्क पड़ता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तू किस्मत से जीत रहा है या स्किल से जीत रहा है, ठीक है, या तो तू चांस से जीत या स्किल चांस दोनों मिला ले, वेदर द सेम इज परमिशेबल और अदरवाइज अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, चाहे वो परमिशेबल हो चाहे ना हो, सरकार बोली हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। द टर्म ऑनलाइन गेमिंग एंड वर्चुअल डिजिटल एसेट यूज इन द अबव डेफिनेशन हैज बीन क्लेरिफाइड इन द न्यूली इंसर्टेड क्लॉजेस। देखो सर, इन्होंने डिफाइन भी किया। देखो, ऑनलाइन गेमिंग मींस ऑफरिंग ऑफ अ गेम ऑन द इंटरनेट और एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क एंड इंक्लूडिंग ऑनलाइन गेमिंग मनी। वर्चुअल डिजिटल एसेट हम पहले भी पढ़ के आए हैं सर, इसको हम पहले भी कवर किए थे, इसमें क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, ये सब चीजें आ जाती है सर, वर्चुअल डिजिटल एसेट, ठीक है। तो सर इसके हिसाब से अब एक सिंपल सी बात है, अब हम इसको ऐसे याद रखेंगे सर कि एक्शनेबल क्लेम आज भी नेगेटिव लिस्ट में सर, शेड्यूल 3 में, बट सर स्पेसिफाइड जो है, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम जो है सर, उनको हम सप्लाई मानते हैं और उनपे जीएसटी लगेगा। आई बात समझ, किस वैल्यू पे लगेगा ये वैल्यू सरकार खुद बताती है रूल्स में, एंड आप इंटर वाले हो, इंटर वालों के लिए रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते हैं, फाइनल वालों के लिए रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है, आई मेरी बात समझ। तो हमें एग्जाम में मजे कैसे लेगा, एमसीक्यू दे सकता है सर, इवन एक क्वेश्चन भी बना के दे सकता है कि कैसीनो में एक पर्सन खेल रहा था, वहां से पैसा जीता, वुड इट बी ट्रीटेड एज सप्लाई और नॉट, यस यस इट वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई। पहले नहीं होता था, 1/10/2023 के बाद से ये सप्लाई है। आई बात समझ बेटा, ये दिमाग में क्लियर हुआ। आगे देखो, सप्लाई ऑफ फूड एंड बेवरेजेस एट सिनेमा हॉल टैक्सेबल एज, बड़ा प्यारा कर दिए, नहीं पहले इनको रेस्टोरेंट नहीं बोला जाता था, इनको सिंपली टैक्सेबल कर देते फूड एंड बेवरेजेस के नाम पे, कि आपका स्टोर है, थाले मतलब ये ठेला वेला लगा रहे हो, इस नाम से टैक्सेबल कर देते। अब स्पेसिफिकली रेस्टोरेंट सर्विसेज में कवर कर दिए, अब फायदा क्या है मैं आपको समझाता हूँ सर, ये स्पेसिफिक अगर रेस्टोरेंट सर्विसेज में चले गया ना, तो ये आदमी कंपोजिशन भी ले सकता है, याद है अपन कंपोजिशन स्कीम पढ़ के आए ना सर, कंपोजिशन स्कीम में सेकेंड कैटेगरी जो होती है वो रेस्टोरेंट वाली होती है, तो इनको रेस्टोरेंट की कैटेगरी में डाल दिए, तो ये बंदा चाहे तो कंपोजिशन स्कीम भी ऑप्ट कर सकता है सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सर क्या बोले, क्या क्या चीजें कवर किए देखना, इटिंग जॉइंट इज अ वाइड टर्म, क्योंकि आजकल ठेले ठपाले कुछ भी चल रहा है सर, वैन चल रही है, ट्रक चल रही है, एक टेम्पो चल रहा है, एक ठेला चल रहा है, एक रिक्शा चल रहा है, सब में खाना मिल रहा है, ठीक है, विच इंक्लूड रिफ्रेशमेंट और इटिंग स्टॉल्स, कियोस्क, ये अलग ही टाइप का वर्ड, इसका मतलब पता है, नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे ठेले ठपाले जहाँ ठेले में चीजें मिलती है, कभी आप लोग झालमुड़ी वगैरह खाए हो ठेले वाले में, जो रिक्शे ठेले में चलते हुए मिलते हैं, ये है, ठीक है। काउंटर्स रेस्टोरेंट एट अ सिनेमा आल्सो, द सिनेमा ऑपरेटर मे रन दिस रिफ्रेशमेंट इटिंग स्टॉल कियोस्क्स काउंटर्स रेस्टोरेंट देमसेल्फ, या तो वो खुद से रन कर रहे हो या तो उन्होंने किसी थर्ड पार्टी को दे दिया हो, ये भी हो सकता है सर, ये तो डिपेंड करेगा ना सर, सिनेमा हॉल में तो कुछ भी हो सकता है, पॉसिबल है। द कस्टमर मे लाइक टू अवेल द सर्विसेज सप्लाइड बाय दिस रिफ्रेशमेंट स्नैक्स काउंटर्स और चूज नॉट टू अवेल दिस सर्विसेज। फर्दर द सिनेमा ऑपरेटर कैन ऑल्सो इंस्टॉल वेंडिंग मशीन, देखियो कभी जिसमें आप रुपए डालो तो सर क्या बोलते हैं, दारू की बॉटल भी निकलती है प्लस कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स भी निकलती है, हाँ सब आ जाता है, सब पानी पानी की भी बॉटल आती है बाहर, ठीक है। और सप्लाई एनी अदर रिक्रिएशनल सर्विसेज सच एज थ्रू कॉइन इन ऑपरेटेड मशीन्स विच अ कस्टमर मे और मे नॉट अवेल, आपकी इच्छा है डाल के कुछ लेना है तो लो, नहीं लेना है मत लो। इट हैज हियर बीन क्लेरिफाइड दैट सप्लाई ऑफ फूड और बेवरेजेस इन अ सिनेमा हॉल इज टैक्सेबल एज लॉन्ग एज द फूड और बेवरेजेस आर सप्लाइड बाय और एज अ पार्ट ऑफ सर्विस एंड सप्लाइड इंडिपेंडेंट ऑफ द सिनेमा एग्जीबिशन सर्विस। मूवी अलग है, खाना पीना अलग है, वैसे भी एक बार बताओ कोई आदमी कोई, हाँ अरे ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर दोनों क्यूमुलेटिव हो गया कहीं पर भी, चलो अपने छत्तीसगढ़ में तो नहीं है, छत्तीसगढ़ में तो हर जगह ऐसा है कि आप मूवी अपना अलग देखो, खाना पीना है तो लो, नहीं तो नहीं लेना है मत, तो
कोई दिक्कत नहीं, बट ये बोल रहे सर इन केस कहीं पर दोनों साथ में हुआ तो वहां पर फंस जाओगे ना सर, तो इसलिए इन्होंने बोला सर कि दोनों अलग अलग है, तो अगर दोनों अलग अलग है तो हम इसको क्या मान रहे हैं, रेस्टोरेंट सर्विसेस, आ रही बात समझ, ठीक है, वेयर द सेल ऑफ सिनेमा टिकट एंड सप्लाई ऑफ फूड एंड बेवरेजेस आर क्लब्ड क्लब्ड टुगेदर, होता है सर बहुत जगह होता है, जहां पर आप टिकट बुक करो तो वो आपको बोलता है भैया पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक का कॉम्बो है ले लो, कभी देखे हो भी, कई बार होता है कॉम्बोज ऑफर्स होते हैं, नाचोस के कॉम्बोज ऑफर होते हैं, पता नहीं आप लोग कितने लोग ट्राई किए, मैं तो बहुत ट्राई किया हूं, तो ये कॉम्बोज अगर होते हैं, इन्होंने बोला सर अगर कॉम्बोज ऑफर ये बंडल करके दे रहा है तो उस केस में हम इसे कंपोजिट सप्लाई मानेंगे, अच्छा हुआ इन्होंने बता दिया कंपोजिट, नहीं बताते ना तो आप लोग तो मिक्स मानते और मिक्स मानते तो हाईएस्ट रेट लगाते, कंपोजिट है मतलब अपन कौन सा लगाएंगे सर, जो प्रिंसिपल रेट है, प्रिंसिपल रेट हमारा मेन पर्पस क्या है, मूवी देखना, खाने थोड़ी जा रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं सर, ठीक है, तो मूवी टिकट पे जो रेट लगता है जीएसटी लगेगा वही हमारा किस में लगेगा, खाने पीने की चीजों पे भी, आई बात समझ, छोटा सा क्लैरिफिकेशन है, अच्छा है सिंपल है, हम इसको ऐसे एग्जाम में याद रखेंगे, सर फूड और बेवरेजेस प्रोवाइड हो रहा है सर, क्या बोलते हैं सिनेमा हॉल के अंदर हो रहा है, तो बात यह है सर कि क्या वो अलग अलग चीजें हैं और क्या वो साथ में, अगर अलग अलग है तो सर खाने पीने की चीजों को रेस्टोरेंट सर्विसेज माना जाएगा सर, और अगर एक साथ है तो बंडल्ड है सर, और बंडल्ड है तो मेन पर्पस क्या है सर आपका, मूवी देखना, मूवी देखना, तो मूवी के में जितना जीएसटी है सर उतना ही आपका खाने पीने की चीजों पे जीएसटी आ जाएगा, आई बात समझ, क्लियर हुआ, ये समराइज था, ठीक है, इसके बाद ये वाला टॉपिक जो था ये मैंने आपको पहले भी बताया था सर, द एक्टिविटी ऑफ होल्डिंग शेयर्स बाय अ होल्डिंग कंपनी ऑफ अ सब्सिडियरी कंपनी विल नॉट बी ट्रीटेड अ सप्लाई ऑफ सर्विस एंड द सेम विल नॉट अट्रैक्ट जीएसटी, मैं याद दिलाता हूं ये क्या था, याद है सर होल्डिंग कंपनी को सब्सिडियरी कंपनी के 51% तो रखना ही पड़ेगा, अबे 50 से ऊपर रखेगा तब तो होल्डिंग सब्सिडियरी होगा, तो उस केस में क्या होता है होल्डिंग कंपनी के लीगल ऑब्लिगेशंस होते हैं सर, उस लीगल ऑब्लिगेशंस के कारण उसको सिक्योरिटी होल्ड करना पड़ता है सब्सिडियरी कंपनी में, तो ये बोला गया कि सर ये जो शेयर्स होल्ड कर रहे हैं सिक्योरिटीज होल्ड कर रहे हैं क्या इसको सप्लाई माना जाएगा, नो इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा, देखो वेदर द एक्टिविटी ऑफ होल्डिंग शेयर्स बाय होल्डिंग कंपनी ऑफ द सब्सिडियरी कंपनी विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज और नॉट, वेदर द सेम विल अट्रैक्ट जीएसटी और नॉट, क्लैरिफिकेशन था देखो, सिक्योरिटीज आर कंसिडर्ड नाइदर गुड्स नॉर सर्विसेज, गुड्स की डेफिनेशन से बाहर है ना ही सर्विस की डेफिनेशन में आता है सर, ठीक है, फर्दर सिक्योरिटीज इंक्लूड्स शेयर्स, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट द सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द होल्डिंग कंपनी इन द सब्सिडियरी कंपनी आर नाइदर गुड्स नॉर सर्विसेज, फर्दर परचेज और सेल ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटी इन इटसेल्फ इज नाइदर अ सप्लाई ऑफ गुड्स और नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, क्योंकि सर आता ही नहीं है सिक्योरिटी तो वैसे भी, फॉर अ ट्रांजेक्शन और एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस देयर मस्ट बी अ सप्लाई एज पर डेफिनेशन सेक्शन 7, ये तो सेक्शन 7 में कवर ही नहीं होगा क्योंकि सेक्शन 7 की पहली कंडीशन ये थी कि गुड्स या सर्विसेज होना चाहिए, तो गुड्स की डेफिनेशन से तो वैसे ही सिक्योरिटीज बाहर है, तो फिर इतनी मेहनत ही क्यों कर रहे हो, समझ आई बात, बैठा दिमाग में, ठीक है, ये हम पहले पढ़े थे इसको कवर किए, ये समझ आया ना सर, तो याद रखना होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी में अगर सिक्योरिटीज होल्ड करती है तो उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा, उस पर जीएसटी की बात नहीं है, ये मैं कहां पर आएगा मैं बताऊं आपको, जो जीएसटी का 8 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन आता है ना उसमें एक पॉइंट घुसा देगा बीच में और चेक करेगा कितने बच्चों को ये याद है कि ये सप्लाई नहीं है, मतलब आपको जानबूझ के देगा कि 1 लाख रुपए के शेयर्स मतलब होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी कंपनी के खरीदे, अबे तो क्या ही करना है, शेयर्स है सिक्योरिटीज है बाहर है, आई बात समझ, सप्लाई चैप्टर में इतना ही था, आते चार्ज अंडर जीएसटी में, देखो सर चार्ज अंडर जीएसटी में क्या बोला इन्होंने, देखो सर्विसेस, ये दो बार सर्विस हो गया, सर्विसेस सप्लाइड बाय अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट टू द कंपनी और द बॉडी कॉर्पोरेट इन हिज आर नॉट टैक्सेबल अंडर, मजा आएगा देखना ध्यान देना, इशू क्या था देखो मैं आपको बताता हूं, अगर कोई डायरेक्टर अगर किसी कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो वो रिवर्स चार्ज में, अदर देन रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन है तो वो शेड्यूल 3 में बाहर है, पढ़ ही क्यों रहे हो फिर, हमने बोला था कोई भी अगर डायरेक्टर अगर कंपनी को कोई सर्विसेज देता है तो वो रिवर्स चार्ज में, ये हम पहले भी पढ़े थे, अब हुआ ये कि कोई डायरेक्टर अगर रेंटिंग की सर्विसेज दे रहा है तो क्या रिवर्स चार्ज है कि नहीं, अब लड़ाई इसलिए हो गई, इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया क्यों, क्योंकि सर रेंटिंग ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी जब हम पढ़ते हैं तो रेंटिंग ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी हमेशा क्या था, फॉरवर्ड चार्ज में था, याद है ना, रिवर्स चार्ज में भी जब हम उसको पढ़ते हैं तो जो एंट्री में कवर होता है एक्सक्लूडिंग लिखा रहता है सर, एक्सक्लूडिंग में सबसे पहला होता है रेंटिंग ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी, जो बिजनेस एंटिटी को दी जा रही है वो फॉरवर्ड चार्ज में वहां पर पढ़ते हैं, शेड्यूल 2 में हम बोलते हैं रेंटिंग ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी सर सर्विसेज है और वो भी क्या होगा सर फॉरवर्ड चार्ज होगा,
इसी चीज को लेकर लड़ाई हुई। तो इन्होंने बोला देखो whether services supplied by director of the company in his personal capacity such as to the company or body corporate are subject to reverse charge. देखो सर इन्होंने क्या बोला, entry 6 this provided that tax on services by the director of a company or a body corporate to the said company or the body corporate shall be paid by the company. यही तो हम पढ़ के आए, शुरुआत से पढ़ के आए कि सर रिवर्स चार्ज होता है सर। इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड, देखो क्लैरिफाई किया इन्होंने, अमेंडमेंट नहीं है, दिस इज क्लैरिफिकेशन। देखो सर्विसेज सप्लाइड बाय डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट टू द कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट इन हिज प्राइवेट एंड पर्सनल कैपेसिटी सच एज अ सर्विस सप्लाइड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमोबाइल प्रॉपर्टी टू द कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट आर नॉट टैक्सेबल अंडर, पहला क्वेश्चन आरसीएम में टैक्सेबल नहीं है तो कैसे टैक्सेबल है, फॉरवर्ड चार्ज। तो कौन टैक्स देगा, अबे कंपनी क्यों देगी, डायरेक्टर देगा ना, कैसे कर रहे हो, कंपनी तो रिवर्स चार्ज में देती थी, डायरेक्टर देगा, ठीक है। ओनली दोज सर्विसेज सप्लाइड बाय डायरेक्टर और अ बॉडी कॉर्पोरेट विच आर सप्लाइड बाय हिम एज और इन हिज कैपेसिटी ऑफ द डायरेक्टर टू दैट कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट शैल बी टैक्सेबल अंडर, क्या बोलना चाह रहे हैं, डायरेक्टर की कैपेसिटी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी डायरेक्टर अगर डायरेक्टर की कैपेसिटी में कंपनी को सर्विसेज देगा तो वो आरसीएम में होगा, कोई भी डायरेक्टर अगर पर्सनल कैपेसिटी में देगा तो आरसीएम नहीं होगा, फिर फॉरवर्ड चार्ज होगा, ठीक है। इसको ऐसे ध्यान रखना सर, ये इंपॉर्टेंट है कि हाँ लिख लो ज्यादा अच्छा है, डायरेक्टर अगर कंपनी को सर्विसेज दे रहा है तो आप पहले ये चेक करो सर पर्सनल कैपेसिटी है कि सर पर्सनल कैपेसिटी नहीं है, एज अ डायरेक्टर प्रोवाइड कर रहा है, अगर एज अ डायरेक्टर प्रोवाइड कर रहा है सर, कौन, कंपनी का डायरेक्टर, किसको, कंपनी को, तो सर उस केस में आरसीएम है, अरे यार सी को ही कर दिया मैं, सॉरी, ठीक है, तो सर आरसीएम है। और अगर यही डायरेक्टर सर पर्सनल कैपेसिटी या फिर प्राइवेट कैपेसिटी में अगर किसको प्रोवाइड कर रहा है, कंपनी को, कौन से टाइप की सर, रेंटिंग वाली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो उस रेंटिंग ऑफ इमोबाइल प्रॉपर्टी, तो उस केस में क्या हो जाएगा सर, एफसीएम अप्लाई हो जाएगा, फॉरवर्ड चार्ज अप्लाई हो जाएगा। एक बात याद रखना, इंस्टीट्यूट क्लैरिफिकेशन को कभी भी बड़े क्वेश्चन के पार्ट बना के पूछती है, ये कोई अलग से लिखने को नहीं आते हैं, नहीं आते, और इन केस आ भी गया तो 2 मार्क्स का आता है अलग से लिखने को, कभी ऐसा नहीं होगा कि 5-10 मार्क्स का इसी को लिखने बोलते हैं, पागल है क्या, लिखेगा कैसे बच्चा 5-10 मार्क्स का, इसको 2 ही मार्क्स का लिखने को आएगा इन केस आया तो। ज्यादातर क्या करते हैं, ये बड़े क्वेश्चन का एक ट्रांजेक्शन बनाएंगे, ऐसे एक ट्रांजेक्शन बना देंगे, डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी प्रोवाइडिंग अ रेंटिंग ऑफ इमोबाइल प्रॉपर्टी सर्विसेज टू अ कंपनी, तो आपके दिमाग में तुरंत जाना चाहिए, अच्छा सर तो बताया था रेंटिंग ऑफ इमोबाइल प्रॉपर्टी अगर पर्सनल और प्राइवेट कैपेसिटी में है तो सर वो फॉरवर्ड चार्ज है, वो रिवर्स में आएगा नहीं सर, आई बात समझ, ध्यान रखना, क्योंकि कोई चीज अगर रिवर्स में और कोई चीज फॉरवर्ड में तो उसका जो टैक्स का ट्रीटमेंट है ना वो बहुत बदल जाता है सर, बहुत बदल जाता है। क्लियर हुआ ये सबको, आओ आगे बढ़ते हैं, अगला देखो, ठीक है, ये इसी का पॉइंट था, इसके साथ ही है, ये इसी के साथ है, ये रेड पे धोखे से रेड कलर पे हो गया बट ये इसी के साथ है, ठीक है। उसके बाद अगला याद है रिवर्स चार्ज पढ़े, याद है अगर गवर्नमेंट, यहीं पर याद करो हम पढ़ते थे सर रेंटिंग ऑफ इमोबाइल प्रॉपर्टी, जहां पर गवर्नमेंट अगर किसको प्रोवाइड कर रही है, बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड कर रही है सर सर्विसेज, तो वो रिवर्स चार्ज में, बट सर इसके कुछ एक्सेप्शन है सर, कुछ चीजें हम एक्सक्लूड कर देते थे, जो कुछ चीजें एक्सक्लूड करते थे, एक्सक्लूडिंग इसमें सबसे पहला होता था रेंटिंग ऑफ इमोबाइल प्रॉपर्टी, दूसरा होता था सर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वाली सर्विसेज। अब इन्होंने क्या किया सर, बाकी सब चीजें सेम है, इन्होंने क्या लिख दिया, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, तो अब से मैं कैसे याद रखूंगा सर, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हो या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे वाली, दोनों की सर्विसेज फॉरवर्ड चार्ज में है सर, आराम से, अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विसेज
या मिनिस्ट्री ऑफ, ये रेलवे की सर्विसेज है, कौन प्रोवाइड कर रहा है? गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, किसी बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड कर रही है, तो फॉरवर्ड चार्ज। वैसे मैं एक बात बताऊं, या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में तो हमेशा आप समझो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करेगी, अबे प्राइवेट होता ही कहां है, अभी तक तो नहीं है, जिस दिन आएगा तब देखेंगे। तो सर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इंडियन पोस्ट ऑफिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अगर ये बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये किस में चले गया? फॉरवर्ड चार्ज। आई बात समझ? अब इन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनना, अब इसको कैसे फटाफट कवर करते हैं। अपन ने जितनी जगह डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पढ़ा है उसके आगे हर जगह इन्होंने क्या कर दिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ऐड कर दिया। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर ऐसा और कहां पढ़े? याद करो अपन एक्सेप्शन एग्जेम्पशन वाला चैप्टर पढ़े थे, एग्जेम्पशन वाले चैप्टर में सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, याद आया? बाय द गवर्नमेंट, उसमें हम बोलते थे सर बाय द गवर्नमेंट है, टू अदर गवर्नमेंट है तो एग्जेम्प्ट है, टू बिजनेस एंटिटी है तो बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर, वहां पर एक्सक्लूडिंग करके होता था, जिसमें पहला पॉइंट होता था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो जितनी जगह डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आया है हर जगह क्या डाल दिया इन्होंने, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। आई बात समझ? तो ये कोई एकदम इतना धासू टाइप का बड़ा अमेंडमेंट नहीं है सर, बट ये अमेंडमेंट छोटा सा है, हर जगह आया है जहां पर ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वाली बात गई। अब इन्होंने यहां पर भी देखो क्या किया, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। क्यों? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को तो अब भी आपने ऊपर किस में डाला सर, फॉरवर्ड चार्ज में डाला। तो इन्होंने वही तो बोला, भैया अगर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आज भी किस में है वो, फॉरवर्ड में है सर। नहीं बोलते तो कैसे होता सर? अब कारण क्या है समझो सर, रेलवे वाला भी तो किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सर रेंटिंग ऑफ इमोबाइल प्रॉपर्टी की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, रेलवे वाला भी तो रेंट पे दे सकता है इमोबाइल प्रॉपर्टी। बट गवर्नमेंट ने बोला भैया नहीं नहीं नहीं, रेलवे वाला अगर रेंट पे किसी रजिस्टर्ड पर्सन को देगा तो हम उसको कैसे रखेंगे, फॉरवर्ड चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज पे रखेंगे। आई बात समझ? गवर्नमेंट तैयारी कर रही है सर, गवर्नमेंट तैयारी कर रही है, क्योंकि रेलवे अब धीरे से प्राइवेटाइज होने वाला है सर। अभी हुआ नहीं है, नहीं, अभी तो गवर्नमेंट के हाथ में, बट 75% गवर्नमेंट के हाथ में, 25% तो अभी चेंज हो ही रहा है सर। तो धीरे धीरे ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट स्मार्ट है, गवर्नमेंट को पता है आज नहीं तो कल तो लड़ाई हो जाएगी। अरे भैया जब गवर्नमेंट और प्राइवेट साथ में आ रहेंगे तो वाह, गवर्नमेंट के केस में रिवर्स डालोगे, प्राइवेट के केस में फॉरवर्ड डालोगे तो लड़ाई नहीं हो जाएगी। सरकार पहले से तैयारी कर लिए, बोले डालो सब जगह फॉरवर्ड। आई बात समझ? बैठा दिमाग में, ठीक है। इसके बाद सर आईजीएसटी में जो रिवर्स चार्ज वाली एक एंट्री पढ़ते थे हम, याद है? सर्विसेज सप्लाइड बाय पर्सन लोकेटेड इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय अ वेसल फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ प्लेस इन इंडिया, इसको इन्होंने रिवर्स चार्ज से हटा दिया। मतलब बाहर वाला इंडिया में गुड्स छोड़ रहा है तो पहले क्या होता था, रिवर्स चार्ज था, कौन मरेगा? इंडिया वाला। अब कौन मरेगा? बाहर वाला। पहले तो इंपोर्टर ही मरता था ना, अब इसको छोड़ दिए, अब ये फॉरवर्ड रिवर्स चार्ज से हट गया तो अब किस में चले गए, फॉरवर्ड चार्ज में। अबे टैक्सेबिलिटी आज भी है, टैक्सेबिलिटी नहीं खत्म हुई है, टैक्सेबल तो आज भी है, बट पहले ये क्या होता था, रिवर्स में होता था, अब ये फॉरवर्ड में हो गया। आई बात समझ? आगे बढ़ते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई, छोटा सा अमेंडमेंट, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा अमेंडमेंट है प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड। देखो सर, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स परचेस ओवर द काउंटर इन वन स्टेट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द अनदर स्टेट बाय द बायर। मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। मान लो वर्धमान सर अनरजिस्टर्ड पर्सन, और वर्धमान सर कहीं से कोई गुड्स परचेस किए और वो गुड्स वर्धमान सर को, मान लो, चलो एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है मेरे पास। जैसे मान लो न्यू ईयर का टाइम है और मेरी बहन दिल्ली में रहती है, अब मैंने यहाँ पर मेरी बहन के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट आइटम पैक करवाया, पैक करवा के मेरे को दिल्ली भिजवाना है, मैं आदमी अनरजिस्टर्ड, अब मेरे को सर ये गिफ्ट आइटम कहाँ पहुंचवाना है, दिल्ली, तो मैं दिल्ली भेज रहा हूँ। इन्होंने बोला सर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, आप बोलोगे वाह इसमें क्या सोचने वाली बात, सर आप खरीदे। मैं बोला अभी मैं कहाँ यूज किया, मेरी बहन के पास जा रहा है वो, मैं यूज थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो एक जरिया हूं, मेन जो लास्ट डेस्टिनेशन है उसकी वो कहाँ है, मेरी बहन के पास है। समझ आ रहा है लड़ाई क्या हो रही है, प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करना जरूरी है। सरकार मेरे पास आएगी तो मैं बोलूंगा अबे पागल वो मेरी बहन के लिए था, और मेरी बहन के पास जाएगी तो मेरी बहन बोलेगी वो तो मेरा भाई खरीदा है, मैं थोड़ी खरीदू। समझ आ रहा है? तो ये प्लेस ऑफ सप्लाई की लड़ाई थी, इन्होंने इस प्लेस ऑफ सप्लाई की लड़ाई को क्लैरिफाई किया। देखो सर क्या बोला, देयर आर केसेस वेयर एन अनरजिस्टर्ड पर्सन परचेजेस गुड्स ओवर द काउंटर
इन वन स्टेट एंड देयर आफ्टर ट्रांसपोर्ट द गुड्स टू अनदर स्टेट. बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है, एकदम कॉमन है. हम कई बार अपने फैमिली रिलेटिव्स को बोलते हैं भैया पंजाब में कुछ अच्छा मिल रहा है, दिल्ली में कुछ अच्छा मिल रहा है, मुंबई में कुछ अच्छा मिल रहा है, वहां से खरीद के यहां भेज दो. ये तो बहुत कॉमन है. जनरली द स्टेट वेयर ही रिसाइड्स, फॉर इंस्टांस माइग्रेंट वर्कर्स, टूरिस्ट एक्सेट्रा, हु केम टू अ स्टेट फॉर अ वर्क, टूरिज्म एक्सेट्रा एंड परचेज गुड्स इन दैट स्टेट टू टेक इट टू देयर रिस्पेक्टिव स्टेट. ऑब्वियस ही बात है सर, मैं भी मनाली गया था, मैं भी तो वहां से खरीद के यही लाया ना सर. ठीक है. सिमिलरली इन ऑटोमोबाइल सेक्टर, गाड़ियों के सेक्टर में तो बहुत ज्यादा होता है सर, क्योंकि दिल्ली में क्या होता है गाड़ियों में टैक्सेस कम है एज कम्पेयर छत्तीसगढ़. तो यहाँ वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिल्ली से, मैं आपको बताता हूँ, छोड़ो पूरी दुनियादारी, ओला जो है ना, ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर दिल्ली में खरीदने जाओगे और रायपुर से खरीदोगे, आप उसको वहां से ट्रांसपोर्ट करा के भी ले आओगे तो 15,000 बचेगा. इतना डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर सब्सिडी नहीं मिलती. चोर है यहाँ छत्तीसगढ़ में, वहां सब्सिडी मिल रही है, वहां सब्सिडी मिलने के कारण वहां उसकी प्राइसिंग और कम है. बहुत सारे लोग हैं जो यहां से नहीं वहां से खरीदते हैं, कई चीजों में ऐसा होता है. ये तो मैं आपको एक एग्जांपल दिया, बहुत है ऐसे. तो इन्होंने बोला देखो, सिमिलरली इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर द रेसिडेंट ऑफ अ स्टेट मे ट्रेवल टू अनदर स्टेट टू परचेज व्हीकल फ्रॉम दैट स्टेट टू टेक द एडवांटेज ऑफ लोअर रजिस्ट्रेशन चार्जेस, रोड टैक्स विच वेरी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, देयर आफ्टर द व्हीकल टू देयर स्टेट फॉर ब्रिंगिंग क्लैरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई. पहले समझ आया लड़ाई किस चीज की है, ये क्लियर हुआ सबको? अब आओ देखते हैं क्या बोले इन्होंने. इन्होंने बोला भैया दो बातें हो सकती है इस केस में, सामने वाला अपना एड्रेस दे जो खरीदने आया है, और एक आदमी जो एड्रेस दे ही ना कि खरीदने के, मतलब जो खरीदने आया वो एड्रेस ना दे. दो बातें देखो, आईजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2023 हैज बीन अमेंडेड अंडर सेक्शन 10 ऑफ द आईजीएसटी, इंसर्टेड क्लॉज न्यू क्लॉज आया सर, CA. ठीक है, CA, ठीक है, ABCCA, हाँ ये याद रहेगा. ठीक है, वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स इज मेड टू अ पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, द प्लेस ऑफ सप्लाई नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड कॉन्ट्रेरी इन क्लॉज ए एंड बी. ए और सी को साइड किया इन्होंने, इन्होंने बोला उसमें कुछ और लिखा हो वो बात साइड है सर. बी द लोकेशन एज पर द इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेट सप्लायर एंड द लोकेशन ऑफ द सप्लायर वेयर द एड्रेस ऑफ द सेट पर्सन इज नॉट अवेलेबल. दो बातें सर, या तो सर उस बंदे का रजिस्टर्ड, जो बंदा लेने आया है ठीक है अनरजिस्टर्ड, बट उसने अपना एड्रेस बता दिया सर, तो सरकार बोली वेरी गुड, जो एड्रेस वही प्लेस ऑफ सप्लाई. मैं बोला जो खरीदने आया वो तो एड्रेस ही नहीं बताया. सरकार बोली ठीक है भाई, वो आदमी कहाँ का है बताओ, लोकेशन ऑफ द की रिसिपियंट, की रिसिपियंट तो सप्लायर कौन होगा जिससे हम खरीद रहे हैं, है ना, जिससे हम खरीद रहे हैं. सरकार बोली दो ऑप्शन है, जो कस्टमर आया है उसका लोकेशन तू बता दे. बोले वाह मेरे को क्या पता, वो तो टूरिस्ट था, घूमने आया था, आया खरीदा चले गया. सरकार बोली कोई बात नहीं, तेरी दुकान से खरीदा ना, तेरी दुकान कहां पर है? मैं बोला मेरी दुकान तो शिमला में. बोले वेरी गुड, शिमला इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. क्या बोला, समझ आया? तू भैया बता दे, वो अगर मान ले तूने बता दिया कि नहीं भैया टूरिस्ट छत्तीसगढ़ का था, छत्तीसगढ़ में रायपुर में रहता है, बुढ़ापारा में उसका घर है. बोले वेरी गुड, छत्तीसगढ़ इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, उन्हें एड्रेस बता दिया, नहीं बताया फिर उस केस में सप्लाई. इन्होंने क्यों ये चीज बोली पता है? क्योंकि आप समझो सर, बहुत बार ऐसा केस होता है जहां पर हम कोई गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू भेजते हैं. अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू भेजोगे तो एड्रेस तो क्रिस्टल क्लियर रहेगा सर. तो वहां पर इन्होंने बोला जब एड्रेस पता है तो वही एड्रेस प्लेस ऑफ सप्लाई है, और जब एड्रेस पता ही नहीं है तो फिर भी ये जो सप्लाई कर रहा है, क्योंकि हम रिसिपिएंट को कहां ढूंढने जाएंगे, कहां ढूंढेंगे वो आदमी कहां चले गया करके, पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए. जो बेच रहा उसको ढूंढना आसान है, जो खरीद रहा उसको कहां ढूंढेंगे हम. सोच के देखो ना, पूरे इंडिया में लोग कितने लोग इधर उधर जाके खरीदी करते, किसको कितना ढूंढ लोगे भी, पर जो बेच रहा उसको ढूंढना आसान है सर. आई बात समझ, बैठा दिमाग में. देखो, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एडवर्टाइजिंग सेक्टर. अब ये बड़ा बवाल चल रहा है सर, आपको ही पता है एडवर्टाइजिंग का तो मार्केट हो गया आजकल, हर कोई आदमी कोई कहीं भी ऐड कर रहा है सर. जरूरी थोड़ी कि दिल्ली वाला रायपुर में ऐड नहीं कर सकता, और ऐसा तो नहीं है कि रायपुर वाला दिल्ली में ऐड नहीं कर सकता, तो कोई कहीं पर भी ऐड कर सकता है. इन्होंने बोला सर एडवर्टाइजिंग सेक्टर में भी डिसाइड करना प्लेस ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट है. देखो सर, एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स आर
ठीक है, आर ऑफन इन्वॉल्व इन प्रोक्योरिंग स्पेस ऑन होर्डिंग बिलबोर्ड्स erected and mounted on a building land in different states from various suppliers vendors for providing advertising services to its samajh aa raha hai sir kai jagah in log wo board lagate hain kai jagah hoarding lagate hain wo sab karke kya karte hain ye log advertisement karte hain there may be a variety of arrangement between the advertising company and its vendor as below dekho sir पहला इशू क्या था, बड़ा मजेदार है, आपको मजा आएगा, आपको लगेगा वाओ इस लेवल पे भी एडवर्टाइजिंग चीजों को सोचना था, मजेदार है। देयर मे बी अ केस वेयर देयर इज अ सप्लाई या सेल या फिर सप्लाई ऑफ स्पेस और सप्लाई ऑफ राइट टू यूज द स्पेस, दो अलग बातें हैं। सप्लाई ऑफ स्पेस मतलब वो जगह ही खरीद दिया आप एड करने के लिए, और सप्लाई ऑफ राइट टू यूज द स्पेस मतलब भैया हक दिया है आपको कुछ समय तक आप यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट कर लो, जिस दिन आपसे पैसा मिल गया किसको, आपका टाइम खत्म। तो समझ आया, राइट टू यूज और वो जगह ले लेना और उसके बाद एडवर्टाइजमेंट करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है सर। ठीक है, ऑन द होर्डिंग स्ट्रक्चर इम्यूबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द वेंडर, कौन होता है? ऑब्वियसली वेंडर तो वही होगा ना जो सप्लाई कर रहा है। टू द क्लाइंट एडवर्टाइजिंग कंपनी फॉर डिस्प्ले ऑफ देयर एडवर्टाइजमेंट ऑन द सेट होर्डिंग और स्ट्रक्चर। किसको दे रहा है सर? टू द क्लाइंट्स या तो एडवर्टाइजिंग कंपनी। एक छोटा सा सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, छोड़ो दुनियादारी, मान लो ये सामने बिल्डिंग वाला है, ये बिल्डिंग वाले को मैं पूछा भैया आपकी बिल्डिंग की दीवार तो खाली है, एड कर लू और हम इंस्टीट्यूट का, बोले कर ले। वो वेंडर, मैं क्लाइंट, दिया मेरे को ऐड करने। समझ आया पहला किस्सा? दूसरा किस्सा, मैं अभी पिक्चर में नहीं हूं, ये वेंडर है, मान लो सामने बिल्डिंग वाला वेंडर है, उसने एडवर्टाइजिंग कंपनी को बोला सुनो तुमको यहाँ पर बड़ा सा बोर्ड लगाना है और बोर्ड लगा के लोगों के एडवर्टाइजमेंट करना है, कर लो। जॉब करने दिया, इस बार मैं अभी पिक्चर में नहीं आया हूं। समझ आया मैं क्या बोला? पहले केस में तो मैं डायरेक्ट ले रहा था, मैं डायरेक्ट ले रहा था, दूसरे केस में मैं कहाँ ले रहा हूँ, वो तो एडवर्टाइजिंग कंपनी को दिया है सर। देते हैं ना लोग अपना बोर्ड वोर्ड लगाने के लिए कि भैया यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, आप हर महीने मेरे को चार्ज दे देना, हर महीने कुछ दे देना। समझ आया? तो देखो इन्होंने क्या बोला, फॉर अ डिस्प्ले ऑफ देयर एडवर्टाइजमेंट ऑफ द सेट होर्डिंग और स्ट्रक्चर व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द वेंडर टू द एडवर्टाइजिंग कंपनी। देखो सर, द होर्डिंग स्ट्रक्चर इरेक्टेड ऑन द लैंड शुड बी कंसिडर्ड एज इमोबल प्रॉपर्टी। पहला ये समझो सर, इमोबल स्ट्रक्चर, इन्होंने बोला कोई आदमी अगर लोहे का खंबा गाड़ दिया और उसके बाद वो एडवर्टाइजमेंट करने वाला है, तो वो जो लोहे का खंबा गाड़ के एडवर्टाइजमेंट करने वाला है आप उसको क्या मान के चलोगे? इमोबल, ऑब्वियस सी बात है, उसको कोई लेके तो हिलेगा नहीं सर, लेके तो दौड़ेगा नहीं उसको। और अ फिक्स्चर एज इट हैज बीन एम्बेडेड इन अर्थ। फर्दर, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ सप्लाई या सेल ऑफ स्पेस ऑफ एन इमोबल प्रॉपर्टी और ग्रांट ऑफ राइट टू यूज एन इमोबल प्रॉपर्टी शैल बी गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 क्लॉज ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। एज पर दिस द प्लेस ऑफ सप्लाई डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमोबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ आर्किटेक्ट, इंटीरियर सर्वेयर, इंजीनियर। याद है प्लेस ऑफ सप्लाई में पढ़ा रहा था सर, आर्किटेक्ट वगैरह की सर्विसेज लेते हैं, मैं अपने रूम के लिए सर इंजीनियरिंग की सर्विसेज, आर्किटेक्ट की सर्विसेज लिया ना सर, तो इस केस में हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता था सर? जहां पर वो इमोबल प्रॉपर्टी है, यही तो बोले थे ना सर। देखो आगे यही मिलेगा, एन अदर रिलेटेड एक्सपर्ट और एस्टेट एजेंट एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ राइट टू यूज द इमोबल प्रॉपर्टी और फॉर कैरिंग आउट कोऑर्डिनेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्क शैल बी द। Therefore, the place of supply provided by way of supply or sale of space on the hoarding structure for advertising or for the grant of right to use the hoarding structure for advertising in this case would be the. जा जा आप ऐड करवा रहे हो सर, आई बात समझ। अब दूसरा इशू ये आया, देखो there may be an another case where the advertising company want to display its advertisement on hoarding and boarding at a specific location availing the services of a vendor. The responsibility of arranging the hoarding billboards lies with the vendor who may himself own such structure. Own such structure मतलब पहले किसका था? पहले दूसरों का था, अब वो खुद का लगा रहा है, खुद का स्ट्रक्चर है सर वेंडर का।
ठीक है समझो, पहले वाला केस था जिसमें वो एडवर्टाइजिंग कंपनी को बोलता था ठीक है भाई तू कर ले एडवर्टाइजमेंट, मेरे को चार्ज दे देना। तो हमने बोला भैया जहां पर इमोबल प्रॉपर्टी को लगा रहा है, जहां पर वो स्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, वही हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई। दूसरे केस में क्या हुआ, वेंडर बोला भाई सुन तू कहीं भी एडवर्टाइजमेंट मत कर, मैं तेरे को बता रहा हूँ मेरा स्ट्रक्चर बना हुआ है वहीं पर एडवर्टाइजमेंट होगी। ठीक है देखो, ओन स्ट्रक्चर और मे बी टेकिंग इन टर्न रेंट और राइट टू यूज बेसिस फ्रॉम अनदर पर्सन, द वेंडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग ऑफ द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द एडवर्टाइजिंग कंपनी एट सेड लोकेशन ड्यूरिंग द एंटायर टाइम ऑफ डिस्प्ले ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, द वेंडर इज इन अ पोजिशन ऑफ होर्डिंग स्ट्रक्चर एट द होर्डिंग या फिर स्ट्रक्चर एट द सेट लोकेशन ऑन विच एडवर्टाइजमेंट इज डिस्प्लेड एंड द एडवर्टाइजिंग कंपनी इज नॉट ऑक्यूपाइंग द स्पेस और स्ट्रक्चर। क्यों सर? क्योंकि यहां पर किसका है, वेंडर का है, ऊपर किसका हो रहा था, एडवर्टाइजिंग कंपनी का हो रहा था सर। इन दैट इन दिस केस व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द वेंडर टू द एडवर्टाइजिंग कंपनी। देखो इन्होंने क्लैरिफाई किया एग्जाम वाले टाइम पे, जो ये ग्रीन कलर से ना वही पढ़ के जाना, अभी तो पहली बार अमेंडमेंट पढ़ रहे हो पूरा नॉलेज ले रहे हो, बट जब एग्जाम टाइम है ये ग्रीन कलर का पढ़ना और भग जा, इतना ही काम का होगा सर। आपसे पूरा कोई डिटेल चार पांच पेज का थोड़ी लिखवाएगा भाई, प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन भी आता है तो दो मार्क्स तीन मार्क्स का आता है लिखने का, इससे ऊपर नहीं आता है लिखने का। ठीक है, इन दिस केस एज द सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द वेंडर टू द एडवर्टाइजिंग कंपनी एंड देयर इज नो सप्लाई सेल ऑफ स्पेस सप्लाई या सेल ऑफ राइट्स टू यूज द स्पेस ऑफ द होर्डिंग और स्ट्रक्चर बाय द वेंडर टू द एडवर्टाइजिंग कंपनी फॉर डिस्प्ले ऑफ देयर एडवर्टाइजिंग ऑन द सेट display board structure, the said service would not amount to sale of advertising space or supply or grant of use of the immovable property. Accordingly, the place of supply shall not be covered in the this clause, this section, and vendor is in fact providing advertising services by providing visibility to an advertising company advertisement for a specified period on his structure, khud ke structure mein. Purchases taken on rent by him at a specified location. Therefore, such services provided by the vendor to the advertising company are purely in the nature of advertising services, in respect of which place of supply shall be determined under rule section 12.2. So, फिर place of supply हो जाएगा। समझ आया? दो बातें, दोनों में कभी भी difference याद रखना। पहला वाला case था जहां पर वेंडर का खुद का कुछ नहीं था, उसने तो एडवर्टाइजिंग कंपनी को बोला भाई तुम लगा लो, तुम कर लो, तुम कर लो, सब चीज तुम्हारा। ठीक है, दूसरे वाले केस में क्या बोला, नहीं नहीं मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है, तू ला तेरी एडवर्टाइजमेंट मैं दिखवा दूंगा। समझ आ रहा है अंतर है, मेरी खुद की बिल्डिंग में मैं एडवर्टाइजमेंट करवा रहा हूं, या तो मेरी खुद की बिल्डिंग नहीं है सर, मेरी खुद की बिल्डिंग नहीं है पर फिर भी मैं सामने एडवर्टाइजिंग वालों का एडवर्टाइजमेंट करवा रहा हूँ। दोनों में अंतर है सर, खुद का होना और अपना नहीं ओके करवाने में अंतर होता है। समझ आया? ठीक है, एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी, इसमें छोटी सी अमेंडमेंट है। एक ये सैटेलाइट वाली याद है, हम पढ़े थे सर, इसमें पहले जो हम पढ़े थे उसमें क्या होता था, इसरो लिखा हुआ था, अंतरिक्ष वाले लिखे हुए थे, इन्होंने सबको हटाया, इन्होंने बोला सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज। अब पूरे इंडिया में जितने भी सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज जो कंपनीज है, जितने लोग भी सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सबको इन्होंने क्या किया, एग्जेम्प्ट। याद है मिनिस्ट्री वाला मैंने आपको बताया था सर, जहां जहां डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आएगा वहां पर क्या आ जाएगा सर, एंड द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, जहां जहां ये आया था वहां वहां ये आ जाएगा सर। ये एक बार अच्छे से पढ़ लेना, दोबारा चार बार हर जगह अलग अलग पढ़ के याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर, इट विल सेव योर टाइम। ठीक है, एक नई एग्जेम्पशन नई इंट्रोड्यूस हुई है, बड़ी अच्छी है सर, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ गवर्नमेंट अथॉरिटी टू अ गवर्नमेंट अथॉरिटी बाय वे ऑफ वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, कंजर्वेंसी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्लम इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन, एग्जेम्प्ट। किसके लिए? टू द गवर्नमेंट। क्यों? गवर्नमेंट को वाटर सप्लाई नहीं लगता? गवर्नमेंट का भिलाई स्टील प्लांट नहीं है, उसे पानी नहीं चाहिए? वाह, गवर्नमेंट को भी तो पानी चाहिए ना। पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, कंजर्वेंसी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए कई प्राइवेट कंपनीज है जो गवर्नमेंट को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करके देती है सर, सबको इन्होंने एग्जेम्प्ट किया, पर किसको? गवर्नमेंट। याद रखना सर, प्राइवेट है तो टैक्सेबल है, प्राइवेट में अभी भी नहीं छोड़े, मतलब आप मेरी बात समझो, आप समझ नहीं रहे हो, अंबेडकर हॉस्पिटल सर गवर्नमेंट ओरिएंटेड है, है ना, तो अंबेडकर हॉस्पिटल को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की फैसिलिटी या सर्विसेज कोई दे रहा है तो एग्जेम्प्ट है। वही चीज अगर रामकृष्ण हॉस्पिटल को देगा ना तो टैक्सेबल है। यही बात समझ, ध्यान रखना सर इस चीज को। ठीक है,
इसके बाद ये आईजीएसटी को लेके एक क्लैरिफिकेशन था, ये हम वैसे भी कवर कर चुके हैं, इसको अलग से एज सच पढ़ने की जरूरत नहीं भी है, नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। और सर वैल्यू ऑफ सप्लाई, आपने सर एक्शनेबल क्लेम से बाहर कर दिया ऑनलाइन गेमिंग को, बात ये है सर, तो ऑनलाइन गेमिंग की वैल्यू कितनी होगी? सरकार बोली भैया सेक्शन 15 जिंदा है हमारे पास, सेक्शन 15 ट्रांजेक्शन वैल्यू बताता है और ट्रांजेक्शन वैल्यू हम डिफाइन कर देंगे। मैं बोला सुनो ट्रांजेक्शन वैल्यू से तो पता नहीं चल रहा है। सरकार बोली कोई बात नहीं, हमारे पास रूल्स जिंदा है, इसके बेसिस में बताएंगे। मैं बोला रूल्स तो सिलेबस में नहीं होता, बोले हम तो दिए, पढ़ो पढ़ो लिटरली, क्योंकि सर ये रूल्स है ही नहीं, ये रूल्स जो होते हैं फाइनल वालों के लिए होते हैं रूल्स, कभी भी रूल्स। आप लोग को मैं इंस्टीट्यूट के मैट में दिखा दूंगा, बकायदा नीचे लिखा हुआ है रूल्स आर ओनली एप्लीकेबल एट द फाइनल लेवल, बट इन्होंने रूल्स अमेंडमेंट शीट में दे दिया है तो पढ़ना पड़ेगा, तो अब पढ़ना पड़ेगा सर। अभी तक तो मैं इससे बचा रहा था, अब तो कोई हाल में इसको नहीं छोड़ सकता, अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है सर। नहीं चमत्कार ही देखो, मेथड फॉर डिटरमाइनिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ ऑनलाइन गेमिंग इंक्लूडिंग ऑनलाइन मनी गेमिंग, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ एक्शनेबल क्लेम इन एक्शनेबल क्लेम इन केस ऑफ कैसीनोस। देखो सर इन्होंने रूल्स के हिसाब से बताया कि कैसे वैल्यू निकाली जाएगी, आओ मजा आएगा देखना, बहुत मजा आएगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ ऑनलाइन गेमिंग इंक्लूडिंग ऑनलाइन मनी गेमिंग, देखो नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस चैप्टर, बाकी पूरे चैप्टर में जो लिखा है नियायती बकवास, जो हम बोल रहे हैं वो सुनो तुम। रूल 31 बी ये बोलता है द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ ऑनलाइन गेमिंग इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स इंक्लूडिंग इन्वॉल्व्ड इन ऑनलाइन मनी गेमिंग शैल बी द क्या बोला ये, ऑनलाइन गेमिंग के लिए आपने जो पैसा पे किया है या पे करने वाले हो, जो डिपॉजिट किया है या डिपॉजिट करने वाले हो, या तो बिटकॉइन खरीदे हो या खरीदने वाले हो, खरीदने के लिए पैसा दे दिए हो या देने वाले हो, सबको सीट देंगे, जितना पैसा दिए हो वो टोटल अमाउंट पेड और पेबल, ये हमारी वैल्यू है। ठीक, यहां तक तो आम जिंदगी थी, मेंटोस तो इसके नीचे चालू। हाउएवर एनी अमाउंट रिटर्न्ड और रिफंडेड बाय द सप्लायर टू द प्लेयर, भैया एक प्लेयर ने बिटकॉइन के लिए एग्जाम्पल बिटकॉइन के लिए 1000 रुपए दे दिया, बट बिटकॉइन के लिए 800 ही चाहिए था, सामने वाले ने बोला भैया तुम ज्यादा दे दियो 1000 दे दियो 200 वापिस ले लो। सरकार बोली सुनो है? सरकार बोली देखो एनी अमाउंट रिटर्न और रिफंडेड बाय द सप्लायर टू द प्लेयर फॉर एनी रीजन व्हाटएवर, कोई भी रीजन होगा, इंक्लूडिंग प्लेयर नॉट यूजिंग द अमाउंट, भैया यूज नहीं किया वो पड़ा हुआ है वैसे के वैसे ही 200 रुपए पड़ा हुआ है, ना बिटकॉइन खरीदा ना कुछ किया, और डिपॉजिटेड विद द सप्लायर फॉर पार्टिसिपेटिंग इन एनी इवेंट, डिपॉजिट करके रखे हो माइनस नहीं करने देगा, मतलब एक बार जो पैसा गया वो वैल्यू ऑफ सप्लाई, आई बात समझ, लंका लगा दी सरकार। फिर देखो सर कसीनो के केस में भी सरकार को ये लगा, अच्छा कसीनो में थोड़ी सी बातें और बढ़ती है, कारण क्या है सर कसीनो में चीजें बहुत अलग अलग हो जाती है, वहां पर आप चिप्स वगैरह खरीदते हो एंड 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 सो एंड सो चीज, तो बोले देखो कसीनो के लिए हम और बताते हैं, कसीनो के लिए वही बातें, पहले तो वही स्टार्टिंग नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन इन दिस चैप्टर, बाकी सब भगाओ सर, जो हम बोल रहे हैं हमारी बात सुनो। द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ एक्शनेबल क्लेम इन कसीनो शैल बी द टोटल अमाउंट पेड और पेबल बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द प्लेयर फॉर द परचेज ऑफ टोकन चिप्स कॉइन्स टिकेट्स बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड फॉर यूज इन द कैसीनो और पार्टिसिपेटिंग इन एनी इवेंट इंक्लूडिंग गेम स्कीम कॉम्पिटिशन और एनी अदर एक्टिविटी और प्रोसेस इन द कैसीनो इन केसेस वेयर द टोकन चिप्स कॉइन्स टिकेट्स बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड आर नॉट रिक्वायर्ड, मतलब जो पहले में रिक्वायर्ड नहीं है वो दूसरे में जो दूसरी दूसरी चीज है, मान लो कोई कूपन होगा किसी और चीज के थ्रू आप इन्वॉल्व हो रहे हो, सरकार बोली वो हो जाएगा हमारा वैल्यू सप्लाई। मैं बोला बिल्कुल नहीं समझ आया, सरकार बोली तू गोवा गया, गोवा जाके क्या बोलते, बोला कैसीनो में गेम खेलूंगा, गेम खेलने के लिए तूने 1500 रुपए के चिप्स खरीदे, बोले 1500 रुपए वैल्यू सप्लाई। मैं बोला मैं तो चिप्स रिटर्न कर दिया, सरकार बोली आगे भी तो पढ़ा कर, कभी आगे भी तो पढ़, हम माइनस करने देंगे ही नहीं, तू एक बार चिप 1500 की खरीदा मतलब 1500, अब तेरे को चिप को घर लेके आना है घर ले जा, तेरे को जो करना तू ऐसी तैसी करा, हम तो 1500 वैल्यू सप्लाई मान लेंगे।
जीएसटी पे उतना लगता है प्रॉपर 28% मैम, 28% मैम, ठीक है, आ रहा समझ? अगर कोई अमाउंट रिटर्न हो या रिफंड हो तो सरकार आपको डिडक्ट करने तो देगी नहीं सर, समझ आया? बैठा दिमाग में? ठीक है, क्या अबे कैसीनो सब एक नंबर पे रजिस्टर्ड होते हैं, वो कैसीनो इलीगल क्या है? कैसीनो कभी इलीगल नहीं होता बहन, कैसीनो नालायको, कैसीनो इलीगल नहीं होता, कैसीनो तो पूरा लीगल होता है बहन, इलीगल कुछ भी नहीं होता कैसीनो में। ये जो इलीगल वाले काम है ना, ये चौक वगैरह में होता है, मटका खिलाते हैं, सात पत्ती, सेवन अप, सेवन डाउन, ये सब यहाँ पर होता है। अबे कैसीनो पूरा लीगल होता है, कंप्लीट लीगल होता है। तू कैसीनो में अगर 1 करोड़ रुपए लगा रही है ना, कैसीनो में 1 करोड़ रुपए लगा रही है ना, तो एक बात याद रखना, बाहर इनकम टैक्स ऑफिसर खड़ा है, वो पहले बाहर खड़ा हो जाएगा, कैसीनो वाले पहले उसको फोन करके बताएंगे ये 1 करोड़ लगाने आ गया, इसकी इतनी औकात ही नहीं दिख रही है, आओ इनकम टैक्स वाले, पहले तेरे पास आएंगे उन लोग, वो बाहर खड़े रहेंगे जब तक तू कैसीनो से नहीं निकलती, कभी तो निकलेगी। हाँ नहीं, जितना वो जीता उसमें उसको इनकम टैक्स लगेगा, और जो वैल्यू ऑफ सर्विसेज उसने लिया उसका जीएसटी लगेगा। एक बात समझ, मैं कैसीनो से एक एग्जांपल है, कैसीनो से 100 रुपए कमाया, तू मुझसे टैक्स कितना ले लेगी? इनकम टैक्स कितना ले लेगी? 30%। चल 4% सेस मिला के 31.2 ले लेगी मेरे से, इतना ही तो ले लेगी ना, बाकी 62% तो फ्लैट कमाया ना मैं। अबे हराम का पैसा है, 62% भी क्या बुरा है, तेरी मेहनत थोड़ी के भाई, बहन किस्मत होती है ना। हाँ अब तो किस्मत को मेहनत बोलेगी तो बात अलग है, आई बात समझ? बैठा है सबके दिमाग में, क्लियर हुआ? ठीक है, इसके बाद इन्होंने ये क्या हो गया, इसको क्या हो गया, वही तो अगली बार पता चला हम ही गैम्बलिंग कर रहे हैं। देखो सर, फॉर द पर्पस ऑफ रूल 31B एंड 31C, एनी अमाउंट रिसीव बाय प्लेयर बाय विनिंग एनी इवेंट इंक्लूडिंग गेम स्कीम कंपटीशन और एनी अदर एक्टिविटी और प्रोसेस व्हिच इज यूज्ड फॉर प्लेइंग बाय द सेट प्लेयर इन एनी फर्दर इवेंट विदाउट विदड्रॉइंग, आप विड्रॉ किए बिना वो पैसे को और यूज कर रहे हो खेलने के लिए, शेल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन अमाउंट पेड और टू बी डिपॉजिटेड विद द सप्लायर बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द सेट प्लेयर। कुछ तो छोड़ दिए, थैंक यू, नहीं तो बचा कुछ और, कुछ बचा ही नहीं था, पता चलता है इसमें भी जीएसटी की बात कर लेते, फिर तो अति हो जाता। नहीं ये 1 सेकंड रोक दिया था मैं, नहीं नहीं हाँ मैं बताऊंगा वो आपको, वो मैं आपको बताऊंगा। ये क्लियर हुआ सबको? हाँ। यहाँ तक समझ आया? हाँ। गया यार, ठीक है। इसके बाद देखो, टैक्स टू बी पेड ऑन अ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम एट द टाइम ऑफ, वर्सेस सप्लाइज बाय द सप्लायर, जितना भी पैसा रिसीव होगा कैसीनो वगैरह। आपको क्या लगता है सर, कैसीनो में उधारी चलती है क्या? सर कैसीनो में उधारी नहीं चलती है सर, तो कैसीनो में जाके सर आप जो भी पैसा दोगे, इन्होंने बोला भैया जो आप पैसा देते हो सिंपल उसी टाइम पे क्या मान लिया जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। हाँ ठीक है, ठीक है, इसमें क्या बताओ? हाँ जी, देखो सर, रूल 28 अमेंडेड, स्टिल आई एम सेइंग रूल्स आर नॉट एप्लीकेबल फॉर सीए सीएस सीएमए इंटर, बट स्टिल दिया है तो पढ़ लो, चुपचाप पढ़ लो, नहीं तो रूल्स एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब देखो इन्होंने रूल्स में क्या बोला, इधर जान, टैक्सेबिलिटी एंड वैल्यूएशन ऑफ अ पर्सनल गारंटी,
बाय द डायरेक्टर एंड कॉर्पोरेट गारंटी बाय द रिलेटेड पर्सन फॉर द कंपनी. कंपनी को पैसे की जरूरत थी, कंपनी बैंक के पास गई कि मेरे को पैसा दे दो, लोन चाहिए. तो बैंक ने बोला भैया सुनो, आप एक आर्टिफिशियल पर्सन हो, हम आपकी बात नहीं मानते. अगर आपको लोन चाहिए तो आप अपने किसी डायरेक्टर को बोलो कि गारंटी देगा. तो डायरेक्टर बोला ठीक है मैं गारंटी देता हूँ. तो बात ये है, जो डायरेक्टर गारंटी दे रहा है, क्या वो गारंटी सप्लाई माना जाएगा और क्या उस पर जीएसटी है कि नहीं है, ये इसी चीज को क्लैरिफाई करते हैं. देखो सर, फॉलोइंग इश्यूज अरोज फॉर कंसिडरेशन वेयर द टैक्सेबिलिटी एंड द वैल्यूएशन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ अ प्रोवाइडिंग पर्सनल बैंक गारंटी बाय द डायरेक्टर टू बैंक फॉर सिक्योरिंग क्रेडिट फैसिलिटी फॉर द कंपनी विदाउट कंसिडरेशन. विदाउट कंसिडरेशन डायरेक्टर ने फ्री में किसको प्रोवाइड किया, कंपनी को गारंटी की सर्विसेज प्रोवाइड करी. एंड the taxability and valuation of the activity of a providing corporate guarantee by a related person to a bank or financial institution for another related person as well as by the holding company in case in order to secure credit facility for its subsidiary company without consideration. Do matter samajh aaya? Ek hai jo kya bolte hain director guarantee provide kar raha hai, personal guarantee. Dusra hai sir corporate guarantee, wo related person provide kar raha hai ya to holding company apni subsidiary company ke liye guarantee provide kar rahi hai sir, paise chahiye honge loan wagera ke liye. To isse related inhone clarification diya. Dekho kya bol rahe hain. Where the activity of providing personal guarantee by the director of a company to the bank, financial institution for sanctioning of the credit facility to the said company without any consideration would be treated as supply of service or not, whether the same will attract GST or not. पहले मैं आपको in short बता देता हूँ वहाँ पर क्या लिखा हुआ है. In short इन्होंने बोला सर नहीं, इसको हम supply नहीं मानेंगे, GST नहीं होगा. तो मैं बोला क्यों, सरकार बोली बता एक बार बता इसमें value क्या. डायरेक्टर तो फ्री में कंपनी को पर्सनल गारंटी प्रोवाइड कर रहा है, तो जो वैल्यू है ही नहीं इस चीज की, कोई चीज अमाउंट चार्ज की नहीं जा रही है और सप्लाई की डेफिनेशन में सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि कंसीडरेशन होना चाहिए, तो कंसीडरेशन ही नहीं है तो इस पे जीएसटी की बात क्यों आती है. आया समझ. अब पढ़ते हैं. सिंस डायरेक्टर एंड कंपनी आर रिलेटेड पर्सन इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 15, the activities of providing personal guarantee by the director to the bank, financial institutions for securing credit facility for their companies is to be treated as supply of service. Even then, without consideration in terms, value will be the open market value of such supply. However, as per the mandate provided by the RBI guidelines in this regard, no consideration by way of commission, brokerage or any other form can be paid to the director by the company. RBI allow hi nahi karta sir. कि कोई कंपनी अपने डायरेक्टर्स को ये सब पे करे सर. ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन लियो प्रोवाइडिंग पर्सनल गारंटी टू द बैंक और प्रोवाइडिंग फॉर बोरोइंग क्रेडिट लिमिट एक्सेप्ट इन द एक्सेप्शनल केसेस. एक्सेप्शनल अभी आपके लिए फॉलो नहीं करते सर. कंसिक्वेंटली देर इज नो क्वेश्चन ऑफ सच सप्लाई. ट्रांजेक्शन हैविंग एनी ओएमवी क्या है, ओपन मार्केट वैल्यू. अकॉर्डिंगली इट इज क्लैरिफाइड दैट open market value of the said transaction supply shall be treated as zero. GST to isko value supply mein lana chahta tha, RBI beech mein aa gaya. RBI bola na re baba, isko tum value supply ho hi nahi sakta, zero hai bhaiya. And therefore no tax is payable on such supply of services by the director to the company. However, in the exceptional circumstances, agar koi exceptional case rahe where the remuneration is payable to the director, the taxable value of such supply of services shall be the remuneration. अगर कुछ आप उसे गारंटी के लिए पे कर रहे हो तो फिर माना जाएगा. रियल लाइफ में, रियल टर्म्स में बैंक्स ये जो डायरेक्टर्स गारंटी देते हैं ना सर, इसके लिए कुछ पे नहीं करते. इसके लिए अब एक खुद ही की कंपनी है, आप रतन टाटा को थोड़ी पे करोगे सर कि अपनी टाटा कंपनी के लिए वो गारंटी दे रहे हैं तो उनको थोड़ी पे करने चल जाओगे सर. बट अगर आप पे करने चले गए तो सरकार बोली फिर तो हम वैल्यू ऑफ सप्लाई भी मानेंगे, फिर जीएसटी की बातें भी आने वाली है सर. आई बात समझ. ठीक है, देखो सर नोट क्या बोल रहे हैं. ये जो यहां पर लिखा हुआ है ना सर नोट, ये नोट है यहां पर. ठीक है, इंस्टेंसेस वेयर कंसीडरेशन इज पेबल टू द डायरेक्टर में इंक्लूड केसेस वेयर द डायरेक्टर हु हैज प्रोवाइडेड द गारंटी इज नो लॉन्गर कनेक्टेड विद द मैनेजमेंट. एक डायरेक्टर था कंपनी का, वो डायरेक्टरशिप छोड़ दिया तो वो कंपनी के डायरेक्टर से बाहर हो गया. अब कल के दिन सर उसकी गारंटी चल रही कंपनी में, अब वो बोलता है भैया मैं डायरेक्टर से बाहर हूं, जब तक मैं डायरेक्टर था कुछ पैसा ही नहीं लिया, अब मैं डायरेक्टर से बाहर हो चुका हूं, अब मेरे को आप क्या करो पैसा दो. तो सरकार बोलती वाओ वो तो पैसा मांग लिया. अब उस केस में अगर वो पैसा मांग लिया तो सरकार बोलती उस केस में तो फिर टैक्सेबिलिटी की बात आ जाएगी. आया बात समझ. ये वही चीज दी हुई है, आ गया ऑब्वियस बात है, पैसा लेगा तो लगेगा सर. अगला देखो सर, वेयर द एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेट गारंटी
corporate guarantee by a person on behalf of another related person or by the holding company for the sanction of credit facility to its subsidiary company, to the bank, financial institution, even when made without any consideration, will be treated as taxable supply of service or not? And if taxable, what will be the value of such supply of services? Bahut simple hai, ekdam easy hai, dekho. Where the corporate guarantee is provided to the bank or financial institution by a company for providing credit facility to another company, where both the companies are related. हो सकता है सर सेक्शन 15 के हिसाब से रिलेटेड है, एक कंपनी दूसरे कंपनी के होल्डिंग सब्सिडरी ऑफिसर्स डायरेक्टर्स रिलेटेड करते हैं, या फिर होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन है. द एक्टिविटी इज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस. क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस बिटवीन रिलेटेड पार्टीज इवन मेड विदाउट एनी कंसिडरेशन. In such case, the taxable value shall be determined as per the newly inserted rule. Sir, sir, ये rule है. ये final के लिए है sir, but आपने दिया है तो ये rule के से आपको tax निकालना याद रखना पड़ेगा sir. Otherwise तो मैं बोलता इसका relevance ही नहीं है, क्योंकि ये rules final के लिए. मैंने तो देखा ना sir, final आप जाना institute के website में, आप final खोलना, final course, और final course में जाके GST के नीचे ये जो statutory update दिया हुआ है उसमें भी ये दिया हुआ है. तो उन लोगों के लिए तो करंटली एप्लीकेबल है, क्योंकि उनकी बुक में ये आएगा मैंडेट, उन्हें तो पढ़ना ही पड़ेगा सर, ऑप्शन ही नहीं है. बट सर इंटर वालों के लिए रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते, बट ये दे दिया तो एक बार जरूर देख के जाना, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है, बहुत रेयर चांसेस है. मेरे को ऐसा लगता है अभी नहीं तो बाद में इंस्टीट्यूट इसको बकायदा एक क्लैरिफिकेशन के थ्रू पास करेगी कि रूल्स आर नॉट एप्लीकेबल फॉर इंटर स्टूडेंट्स, बट लेट्स सी, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, तो अभी तो देखना है सर. Irrespective of whether full ITC is available to the recipient of service or not, ITC available है कि नहीं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता. इन्होंने बोला सर value of supply आप ऐसे निकालेंगे सर. Value shall be higher of the 1% of the amount of such guarantee offered or actual consideration. जो भी रहेगा सर. हाँ जी. नहीं यहाँ पर जब ये corporate guarantees की बात आती है तो consideration हो सकता है, जहाँ पर एक कंपनी दूसरी कंपनी के लिए guarantee दे रही है. ठीक है. अब इसके बाद देखो एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन है सर. क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज. इंटरनली जनरेटेड किसके किस में? सर हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस. फॉर विच आईटीसी इज अवेलेबल टू द कंसर्न ब्रांच ऑफिसेस. ब्रांच ऑफिसेस ने आईटीसी लिए है, हेड ऑफिस ने ब्रांच ऑफिसेस को सर्विसेस दिए, ठीक है, या ब्रांच ऑफिस ने अदर ब्रांच ऑफिस को सर्विसेज दिए, या ब्रांच ऑफिस ने हेड ऑफिस को सर्विसेज दिए. क्या बोला, समझ आया? अरे हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस को सर्विस दिया, ब्रांच ऑफिस ने हेड ऑफिस को दिया, ब्रांच ऑफिस ने दूसरे ब्रांच ऑफिस को सर्विसेज दिया. आया समझ? तो देखो इन्होंने क्या बोला, क्लैरिफिकेशन है. देखो, इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज मे अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट क्लैरिफिकेशन से बहुत क्वेश्चन देती है, और बड़े क्वेश्चन का पार्ट बना के एक पॉइंट डाल देती है, और चेक करती कितने बच्चे लोग इसकी टैक्सेबिलिटी का ट्रीटमेंट क्या करते हैं. सर मैंने देखा है मई का पिछली बार क्लैरिफिकेशन के क्वेश्चन आए थे, गेस्ट एंकर वाला क्वेश्चन आ गया था. हाँ, गेस्ट एंकर वाला क्वेश्चन आया था, एक और जो क्लैरिफिकेशन वाला पॉइंट था वही क्वेश्चन का पार्ट बना था, क्योंकि क्लैरिफिकेशन बहुत सारे थे. अभी भी देख लो आप, क्लैरिफिकेशन ज्यादा है सर. अमेंडमेंट क्या है, अमेंडमेंट कितने कम है, बहुत कम है अमेंडमेंट, क्लैरिफिकेशन ज्यादा है. उन्होंने ज्यादा चीजें क्लैरिफाई किए कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है. और क्लैरिफिकेशन की सबसे बढ़िया बात क्या रहती है पता है? वंस यू रीड इट थॉरली, एक बार आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया, सेकेंड टाइम इसको रीड भी नहीं करना पड़ता, बिकॉज यू नो द एंड कंक्लूजन्स. और हमें एग्जाम में एंड कंक्लूजन याद रखना होता है, हमें लिखना थोड़ी के पूरा पागल हो गया कोई आदमी, इतना बड़ा क्लैरिफिकेशन मर जाएगा. ये देखो क्लैरिफिकेशन, कोई भी लिख के मर जाएगा. अरे फाइनल वाला भी क्लैरिफिकेशन लिख के मर जाएगा. अरे समझ, तो क्लैरिफिकेशंस आर जस्ट टू बी अंडरस्टूड. एक बार अच्छी रीडिंग होनी चाहिए, हमें याद होना चाहिए हाँ इसमें यह हुआ था. जैसे मेरे को जैसे सप्लाई वाले चैप्टर में गेस्ट एंकर वाली जो क्लैरिफिकेशन थी जो मई 23 के लिए आई थी, मेरे को याद है सर गेस्ट एंकर अगर कहीं भी बुलाया जाए तो सर उसको सप्लाई माना जाएगा, जीएसटी लगेगा सर. अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया, मे के पेपर में एक पॉइंट डाल दिया, वैल्यू ऑफ मतलब कितना था अमाउंट पेड टू अ गेस्ट एंकर लिख दिया बड़े क्वेश्चन का, तो वो तो पूरा टैक्सेबल है, सप्लाई है, टैक्सेबल है, बस इतना ही ट्रीटमेंट करना था उसका. ठीक है, देखो सर क्या बोलता है. देखो, इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज there may be a case where head office is providing certain services to branch office
for which fully ITC is available to the concerned branch office. However, HO may not be issuing tax invoice. अब वो tax invoice issue नहीं कर रहे होंगे sir to the concerned branch office with respect to such services. Or the branch office may not be including the cost of particular components such as salary cost of the employees involved in providing such services while issuing tax invoice to the branch office for the services provided by head office to the branch office. ये क्या include नहीं कर रहे हैं sir? Salary cost of the employees include नहीं कर रहे हैं. वो जो services provide करने के लिए लगा है sir. Whether the HO is mandatory required to issue invoice to the branch office under section 31? याद है sir? Services के लिए section 31 था, goods के लिए section 12 था. ठीक है? For such internally generated services, internally मतलब ये branch और head office के बीच में चल रहा है, इसलिए internal. And or whether the cost of all component, including salary cost of the head office employees involved in providing the said services to be included, क्या employee की cost include करना चाहिए था उस services में in the computation of value of services provided by the head office to the branch office where full ITC is available to the concerned branch office. इन्होंने देखो क्या clarification दिया. The value of services supplied by a registered person to a distinct person need to be determined under Rule 28. This as per section 15 subsection 4. As per the rule 28 subsection 8, the value of supply between distant person shall be ठीक है open market value of such supply. The second proviso of rule 28 provides that where the recipient is eligible for full ITC, the value declared on the invoice shall be deemed to be the अगर वो पूरी आईटीसी ले रहा है तो सरकार बोलती कोई बात नहीं, इस केस में हम जितनी वैल्यू वो सप्लाई किया उतने को ही पूरा क्या मान लेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई. क्यों पता है? सरकार सिंपल बोलती है जब वो आदमी उस वैल्यू पे क्रेडिट ले रहा है तो उसी वैल्यू को आउटवर्ड की डिटेल मान लो. लॉजिक भी है सर, एक का आउटवर्ड और दूसरे का इनवर्ड, तब तो मैच करेगा ना सर, नहीं तो मैच ही नहीं करेगा अगर आप अलग अलग वैल्यू ले लिए तो. ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज अकॉर्डिंगली इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय एचओ टू ब्रांच ऑफिस द वैल्यू ऑफ द सेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज डिक्लेयर्ड इन द इनवॉइस बाय द एचओ शैल बी डीम्ड टू बी द open market value of such services. If the recipient of branch office is eligible for full ITC, accordingly in cases where the full ITC is available to the branch office, the value declared on the invoices by the head office to the said branch office in respect of the supply of services shall be deemed to be the open market value of such services, irrespective of the fact whether the cost of any particular component of such services like employee cost etc. has been included or not. इन्होंने crystal clear किया, बोला भाड़ में जाए पूरी लड़ाई एक ही चीज याद रखना साले, open market value, एक ही चीज याद रखना. और बोले मान ले अगर कोई head office value supply खुद बता रहे तो वो ही वैल्यू ले लेना, फिर ओपन मार्केट वैल्यू में भी दिमाग मत लगाना. मतलब एग्जाम में इन केस देखो मेरे हिसाब से तो रूल्स की बातें हैं, सेक्शन रूल 28 की बातें, रूल 28 आपके सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल इन केस थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया तो ऐसे याद रखना कि सर अगर एचओ वैल्यू बता रहा है तो एचओ की वैल्यू लेंगे, एचओ वैल्यू नहीं बता रहे तो ओपन मार्केट वैल्यू लेंगे. सर एचओ वैल्यू बता रहा है और ओपन मार्केट वैल्यू भी दिया है तो एचओ की वैल्यू लेंगे. क्या बोला, समझ आया? ठीक है, एचओ को प्रेफरेंस है सर. Clear? But then in such cases where the full ITC is available to the recipient, if HO has not issued a tax invoice to the branch office in respect of any particular services rendered by HO to the said BO, the value of such services may be deemed to be declared as nil. अगर आपने tax invoice issue नहीं किया तो हम ये मान के चलेंगे कि value of services supply हुई नहीं है sir. तो आपको bill तो raise करना ही पड़ेगा sir. By the head office to branch office and may be deemed to be the open market value in terms of the second proviso to rule 28. अगला देखो. In respect of internally generated services provided by the head office to branch office in cases where the full ITC is not available. ऊपर वाले केस में अपन full ITC ले रहे थे, नीचे वाले केसेस में ये बोल रहा full ITC is not available to the concerned branch office. Whether the cost of salary of employees of the head office involved in providing the said services to the branch office is mandatory required to be included while computing the taxable value of the said supply of services provided by head office to branch office. इन्होंने बोला देखो इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज बाय द हेड ऑफिस टू ब्रांच ऑफिस द कॉस्ट ऑफ सैलरी ऑफ एम्प्लॉई ऑफ द हेड ऑफिस इन्वॉल्व्ड इन प्रोवाइडिंग द सेट सर्विसेज टू द ब्रांच ऑफिस इज तो प्यार से इसको कैसे याद रखूंगा पता है मैं, एकदम सिंपल भैया, ये जो सैलरी वाली बात है ना, चाहे फुल आईटीसी मिले चाहे फुल आईटीसी ना मिले, दोनों केस में ना ये सैलरी वाला पार्ट इंक्लूड नहीं करना है, दिमाग ही नहीं लगाना है, बस इतना ही क्लैरिफिकेशन याद रखना है. टैक्स इनवॉइस इशू करेगा तो हमें क्रेडिट मिल जाएगी सर. ठीक है,
फिर नहीं तो अगर एच ओ वैल्यू बताता है तो बता दे, तू नहीं बताता तो ओ एम वी ले लूंगा मैं, ओपन मार्केट वैल्यू ले लूंगा। क्लियर हुआ सबको? पक्का? इनपुट टैक्स क्रेडिट अमेंडमेंट है रूल 43 में। फर्स्ट थिंग, रूल 42, 43 इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सीए इंटर स्टूडेंट्स। इंस्टीट्यूट की शीट में दिया है तो मेरा कर्तव्य है, मैं एक बार बता देता हूँ कि क्या है। आप इससे ज्यादा दिमाग इस पे ना लगाएं तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि लिटरली ये नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता, क्योंकि रूल 42, 43 नहीं। एक बार बता देता हूँ, इन केस अगर इससे रिलेटेड कोई एमसीक्यू कुछ भी बन गया तो आप ब्लैंकली थोड़ी छोड़ दोगे यार। पहले एक मिनट प्लीज सुन लो, क्योंकि इसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, एक मिनट सुनोगे तो ध्यान रहेगा। रूल 42 इनपुट और इनपुट सर्विस, ठीक है, इससे रिलेटेड क्रेडिट लेने से रिलेटेड होता है। इनपुट और इनपुट सर्विसेज की क्रेडिट कैसे ली जाती है वो रूल 42 बताता है। रूल 43 ये बताता है सर कैपिटल गुड्स की क्रेडिट कैसे ली जाती है। आप बोलोगे सर फिर इतना बकवास हम पढ़ के आए जो सेक्शन 16 क्रेडिट क्रेडिट, नहीं, ये जो रूल 42 और 43 है ये उन इनपुट इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स की बात करता है जो एग्जेम्प्ट के लिए भी यूज होते हैं, टैक्सेबल के लिए भी यूज होते हैं, नॉन टैक्सेबल के लिए भी होते हैं, नॉन बिजनेस पर्पस के लिए भी होते हैं, सब पर्पस के लिए यूज होते हैं। तो उनकी क्रेडिट कैसे लेना है ये एक्सप्लेन करता है। विश्वास रखो सीए फाइनल में इससे क्वेश्चन हमेशा आता ही है, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फाइनल के लिए। अभी आप लोगों के लिए रिलेवेंस नहीं है, सीएमए वालों के लिए रिलेवेंस है। सीएमए वालों को मैं ये टॉपिक पढ़ाता हूँ रूल 42-43। नहीं वो आप बहुत छोटा सा पढ़ते हो, आप सिंपल ये पढ़ते हो कि कैपिटल गुड्स जो हमने यूज किया बाद में अगर वो टैक्सेबल पर्पस के लिए आया तो जो पहले एग्जेम्प्टेड वाला उसको हटा दो फिर टैक्सेबल वाली क्रेडिट ले लो। ये बोलता है एक ऐसा कैपिटल गुड्स है जो साथ ही में एग्जेम्प्ट के लिए भी यूज हुआ साथ ही में टैक्सेबल के लिए यूज हुआ। तो भैया उसकी जो 1,00,000 की क्रेडिट है आपको कैसे पता ये 1,00,000 की क्रेडिट में कितनी एग्जेम्प्टेड वाली और कितनी टैक्सेबल के लिए यूज हुई है, तो वो बायफर्केट करने का तरीका रूल 43 बताता है। ठीक, ये इसके पीछे का बैकग्राउंड। अब चलते एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जो अमेंडमेंट वाला पार्ट है। इन्होंने बोला सर फॉर द पर्पस ऑफ रूल 42-43 द वैल्यू ऑफ एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन मेंशन्ड इन पैराग्राफ 8 ऑफ द शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 याद है सर, नेगेटिव लिस्ट, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ एक्सेम्प्ट सप्लाई, ठीक है, शैल बी द वैल्यू ऑफ गुड्स फ्रॉम अ ड्यूटी फ्री शॉप्स एट द अराइवल टर्मिनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू द इनकमिंग पैसेंजर। समझाता हूँ, एकदम सिंपल समझाता हूँ सर, बहुत सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात। सर क्या हम जब अपना वो देखते हैं सर एग्रीगेट टर्नओवर तो क्या उसमें एग्जेम सप्लाई भी देखते हैं? हाँ। एग्जेम में क्या नॉन टैक्सेबल भी आता है? हाँ, याद आया ना। तो इन्होंने बोला सर जब आप नॉन टैक्सेबल लेने जाओगे और एग्जेम्प्ट लेने जाओगे तो उस केस में एयरपोर्ट में ना ड्यूटी फ्री शॉप होती है। आप लोग को कितने लोगों को पता है, मैं नहीं पता, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे, इंटरनेशनल नॉट रायपुर, रायपुर में नहीं है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है, रायपुर में नहीं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में ड्यूटी फ्री शॉप्स होती है। तो ड्यूटी फ्री शॉप्स में जब आप कोई चीज खरीदते हो तो दिक्कत क्या होती है पता है? ड्यूटी फ्री शॉप की चीजें सस्ती होती है क्योंकि उस पर टैक्स नहीं होते। तो बात यह है कि वैल्यू क्या लिया जाए। तो इन्होंने बोला भैया कि कोई आदमी अगर ड्यूटी फ्री शॉप से कोई इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स कुछ भी लेगा तो उसकी जो वैल्यू रहेगी वो जितना उस कस्टमर से इम्पोर्टर से चार्ज किया जाएगा, इनकमिंग पैसेंजर से चार्ज किया जाएगा, वही उसकी वैल्यू रहेगी। बस बात खत्म, बस बात खत्म। इससे ज्यादा इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। आई बात समझ? बस इससे ज्यादा इसका कोई रिलेवेंस नहीं है आपके लिए, तो और ज्यादा रिलेवेंस नहीं है। ठीक, एक क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग अवेलमेंट ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ कॉमन इनपुट सर्विस प्रोक्योर्ड फ्रॉम अ थर्ड पार्टी बट एट्रिब्यूटेबल टू बोथ हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस। अच्छा एग्जाम्पल दूंगा, अरम इंस्टीट्यूट हेड ऑफिस टैगोनगर, अरम इंस्टीट्यूट ब्रांच ऑफिस कमल विहार, और हमने किसी थर्ड पार्टी से सर्विसेज ली है जो दोनों जगह यूज हुई है। बात यह है कैसे बांटे, लड़ाई समझ आई? ठीक, और या फिर एक से ज्यादा ब्रांच ऑफिस आपकी, ठीक है। तो इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया, देखो इन्होंने बोला वेदर हेड ऑफिस कैन अवेल द आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉमन क्रेडिट कॉमन इनपुट सर्विसेज प्रोक्योर्ड फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, कहीं से आपने सर्विसेज ली। एकदम सिंपल एग्जांपल ले लो, साला मैंने एयरटेल का ब्रॉडबैंड लगवाया और ब्रॉडबैंड हेड ऑफिस में भी है, ब्रांच ऑफिस में भी है, और मेरी जितनी ब्रांच ऑफिस है सब जगह बिलिंग एक हो रही है। बात यह कि क्रेडिट कौन ले, हेड ऑफिस ले, ब्रांच ले,
कितनी ब्रांच ले, किस बेसिस में बांटोगे, ये इसी की लड़ाई है, इसी को समझा रहे हैं। फ्रॉम अ थर्ड पार्टी बट एट्रीब्यूटेबल टू हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, या एक से ज्यादा ब्रांच ऑफिस हो सकते हैं, ठीक है। या तो हो सकता है सिर्फ ब्रांच ऑफिस ले रही हो, हेड ऑफिस नहीं ले रही हो। तो देखो इन्होंने क्या बोला, इशू टैक्स इनवॉइस अंडर सेक्शन 31, सेक्शन 31 सर्विसेज के लिए होता है, याद है ना सर, ठीक है। टू द सेट ब्रांच ऑफिस फॉर द सेट इनपुट सर्विस एंड द ब्रांच ऑफिस कैन अवेल द आईटीसी फॉर द सेम और वेदर इट इज मैंडेटरी फॉर द हेड ऑफिस टू फॉलो द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। क्या हेड ऑफिस इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के बेसिस में बांटेगी कि नॉर्मली जो जितने की सर्विस ले रहा है उसके बेसिस में बांटेगी सर, ठीक है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कॉमन इनपुट सर्विस, इन्होंने क्लैरिफाई किया, देखो क्लैरिफाई क्या किया। इट इज क्लैरिफाइड दैट इन सच अ केस एज पर द प्रेजेंट प्रोविजन ऑफ द लॉ इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द एचओ टू डिस्ट्रीब्यूट द आईटीसी बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर मैकेनिज्म। इन्होंने ये बोला कि चाहे तो हेड ऑफिस इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म के बेसिस में भी चल सकता है और इसके बिना भी चल सकता है। एक आदमी बोला अच्छा एक बात बताओ, इसके थ्रू चलने से क्या होता है और इसके बिना चलने से क्या होता है। बोले अगर इसके थ्रू चलता है तो तेरे को पहले इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जैसे कंपलसरी रजिस्टर करवाना पड़ेगा और इसके बिना चलता है तो तेरे को इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जैसे जीएसटी में रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एचओ हैज द ऑप्शन टू डिस्ट्रीब्यूट आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कॉमन इनपुट सर्विस बाय फॉलोइंग इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म। पहला तो तू ये कर ले, और इशू टैक्स इनवॉइस अंडर सेक्शन 31 टू द कंसर्न ब्रांच ऑफिस इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रोड्यूस फ्रॉम अ थर्ड पार्टी बाय हेड ऑफिस but attributable to the said branch office and the other branch office can avail the ITC same subject to the provision of section 16 and 17. Section 16, 17 क्या था? Section 16 ये था जो basic condition बोलता था credit लेने की। Section 17 ये बोलता था भैया आप क्या करो credit को apportion कर दो, बांट दो, जो जितने value की services, value of service लिया उतने की credit वो लेके जाएगा। तो अगर आप ISD mechanism से नहीं चलोगे तो section 16, 17 के हिसाब से चलोगे और अगर इसके हिसाब से चलोगे तो इसके हिसाब से नहीं चलोगे। आई बात समझ, ठीक है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म कैन बी ऑप्टेड ओनली इफ द सेड इनपुट सर्विस आर एट्रीब्यूटेबल टू द सेड ब्रांच ऑफिस और हैव एक्चुअली प्रोवाइडेड टू द सेड ब्रांच ऑफिस। इन केस द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म इज ऑप्टेड एचओ इज रिक्वायर्ड टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड। आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, बिना रजिस्टर कराए आप बच नहीं सकते सर। Similarly, the head office can issue a tax invoice under section 31 to the concerned branch office if only the common input tax credit had been actually provided to the concerned branch office. वो tax invoice issue कर सकता है और tax invoice के basis में आप credit को बांट सकते हो सब branch office। समझ आया? ठीक है। इसके बाद बात आती है registration। Very simple amendment, बहुत easy amendment है, बहुत simple है। देखो सर, mandatory registration for every person supplying online money gaming from a place outside India to a person in India. गया पबजी, जितने भी बाहर वाले लोग हैं जो यहां पर गेमिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया में, सबके सबको घसीट दिए, आओ पहले रजिस्ट्रेशन कराओ, मैंडेटरी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। आपके लिए ऑप्शन ही नहीं है सर, आपके लिए ना कोई टर्न ओवर है ना कोई लिमिट है। आई बात समझ। आगे देखो, रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एप्लीकेंट फॉर द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द बिजनेस प्रमाइसेस डन अवे विथ। समझाता हूं, देखो सर, रिक्वायरमेंट ध्यान दो, रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एप्लीकेंट फॉर द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द बिजनेस प्रीमाइसेस डन अवे विद। एप्लीकेंट कौन है, कौन है ये एप्लीकेंट, पहले ये बताओ ये एप्लीकेंट कौन है जो रजिस्टर करवा रहा होगा, उसी की प्रीमाइसेस घुस के हम फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं। पहले नियम ये था कि भैया वो एप्लीकेंट का होना जरूरी है तभी आप फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हो। इन्होंने क्या किया, ये सिस्टम ही हटा दिया, भैया एप्लीकेंट हो ना हो आप घुस के फिजिकल वेरिफिकेशन करो। समझ आया क्या किया इन्होंने? देखो सर, अच्छा फिजिकल वेरिफिकेशन कब कब होता था याद है सर? अगर कोई आदमी आधार ऑथेंटिकेशन ना करा पाए या फिर गलत आधार ऑथेंटिकेशन करा ले या जितने टाइम पीरियड के अंदर उसको आधार ऑथेंटिकेशन कराना था वो ना करा पाए तो उस केस में क्या होता था सर? 30 डेज के अंदर क्या होता था, फिजिकल वेरिफिकेशन की बातें आ जाती थी सर। इन्होंने ये देखो सर क्या चेंज किया, नाउ द प्रेजेंस ऑफ एप्लीकेंट इज, समझ आया बेटा दिमाग में, करस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट हैज बीन मेड इन रूल 25
सब्स्टिट्यूटेड रूल 25 प्रोवाइड एज फॉलोज. क्या बोले देखो सर, वेयर द प्रॉपर ऑफिसर इज सैटिस्फाइड दैट द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ द बिजनेस इज रिक्वायर्ड आफ्टर 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 मतलब बाद में, रजिस्ट्रेशन के बाद इसका फिजिकल वेरिफिकेशन चाहिए. He may get it such verification of the place of business done and the verification report along with the other documents including photographs shall be uploaded in the prescribed form in the common portal within a period of. ये याद रखना सर, ये याद रखना, within a period of 15 days. ये याद रखना एग्जाम में कि 15 डेज के अंदर सर वेरिफिकेशन होने के बाद आपको अपलोड करना है सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह. ठीक है, वेयर द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस इज रिक्वायर्ड बिफोर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन. इस केस में इन्होंने क्या बोला सर, तो एटलीस्ट 5 डेज प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ द टाइम पीरियड स्पेसिफाइड इन द सेट प्रोविजन. 5 दिन पहले, एटलीस्ट 5 प्रायर वर्किंग डेज, है ना, एटलीस्ट 5 वर्किंग डेज प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ द टाइम पीरियड. जितने टाइम पीरियड में आप फिजिकल वेरिफिकेशन कंप्लीट करने वाले हो उसके 5 दिन पहले आपको सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करना है सर. आई बात समझ बैठा है दिमाग में. बैंक अकाउंट की डिटेल्स, ये मैंने आपको रेगुलर क्लासेस में सिखाया था सर. पहले बैंक अकाउंट की डिटेल्स के लिए टाइम पीरियड था 45 डेज, अब सरकार ने क्या किया भैया 30 डेज. अगर आप 30 डेज के अंदर बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं देते हो तो सर उस टाइम आपका अब क्या होता है, आपका कैंसिलेशन भी हो सकता है रजिस्ट्रेशन. याद है ये चीज वही है सर. ये देखो इन्होंने क्या बोला सर, डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड बाय द एप्लीकेंट विदिन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 और आईएफएफ व्हिचएवर इज अर्लियर. याद रखना सर, ये पहले कितना होता था 45, अब कितना है 30. ध्यान रहेगा, इतना याद रखना सर. आ गया हूं अगला. देखो, सिस्टम बेस्ड सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ फेलियर टू फर्निश द डिटेल ऑफ वैलिड बैंक अकाउंट डिटेल विद इन स्टिपुलेटेड टाइम. कितना टाइम स्टिपुलेटेड है, ऑटोमेटिक रिवोकेशन ऑन फर्निशिंग सेट डिटेल्स सब्स्टिट्यूटेड. इन्होंने क्या चेंज किया ध्यान से सुनो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, प्लीज प्लीज इधर ध्यान दो. सिस्टम बेस्ड सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ फेलियर टू फर्निश द डिटेल ऑफ वैलिड बैंक अकाउंट्स. सर हमने बोला था पहले भी, हम ये पढ़ के आए थे सर, कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता था अगर कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स है जो आप फाइल नहीं करते तो. ये हम पहले भी पढ़े. इन्होंने ये बोला था सर वैलिड बैंक अकाउंट डिटेल्स देना होता था. पहले हम इसके लिए लिमिट पढ़ते थे 45 डेज, अब कितनी लिमिट हो गई है 30 डेज. देखो सर क्या बोला, रूल 21A 2A has been amended to provide system based मतलब समझ रहे हो, system based मतलब समझ रहे हो, अब अगर आप बैंक डिटेल्स नहीं दिए ना 30 डेज के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक कैंसिल होगा, ऑटोमेटिक कैंसिल होगा. पहले सिस्टम बेस नहीं होता था, अब ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा. पहले क्या होता था, प्रॉपर ऑफिसर नोटिस भेजता था आपको, भैया तू बैंक की डिटेल नहीं दी है, अब कुछ नहीं है, अब सब ऑटोमेटिक चल रहा है कहानी. ठीक है, फर्दर थर्ड प्रोविजो हैज बीन इंसर्टेड टू प्रोवाइड दैट द ऑटोमेटिक रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन इन केसेस अपॉन कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ रूल 10A. क्या बोला ये इसका मतलब बताओ. इन्होंने बोला भैया देखो, आप बैंक डिटेल्स नहीं देते हो तो हम आपका रजिस्ट्रेशन अपने आप कैंसिल कर देते हैं. अब आपने अगर बैंक डिटेल दे दिया तो जो आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ था वो रिवोक हो जाएगा, मतलब वापस आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन वैलिड हो जाएगा. दोनों चीजें ऑटोमेटिक हो गई, मतलब आजकल सब एआई का यूज हो रहा है, सिस्टम जनरेटेड चीजों का यूज हो रहा है, सब सिस्टम जनरेटेड करते जा रहे हैं लोग. समझ आया बैठा दिमाग में. देखो हाँ, ऑटोमेटिक रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन, जो पहले आपका सस्पेंड हो गया था क्योंकि आपने बैंक डिटेल्स नहीं दी थी तो ये आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे थे, अब वो रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, वापस रिएक्टिव हो जाएगा अगर आपने बैंक डिटेल्स प्रोवाइड कर दी तो. आया समझ. देखो सर, द डिटेल अमेंडमेंट आर एज हियर. अर्लियर देखो क्या होता था सर, कंपेरिजन ऑफ द रिटर्न फर्निश्ड बाय द पर्सन अंडर सेक्शन 39, फिर जीएसटीआर 1 से कंपेयर किया जाता था, डिटेल ऑफ द इनवर्ट सप्लाइज होते थे सर,
ऑन सच एनालिसिस अगर आपके कुछ डिफरेंसेस दिखते थे, एनामोलीज दिखते थे सर, तो उससे क्या होता था, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता था। पहले ये होता था सर, पहले आपको टाइम पीरियड दिया जाता था सर, देखो 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 30 डेज का टाइम पीरियड था सर, आपको नोटिस दी जाती थी, बता तेरा रजिस्ट्रेशन क्यों ना कैंसिल करे। अब इन्होंने बोला चकल्लस ही खत्म करो, देखो has been substituted to provide where a comparison, comparison तो अभी भी होगा सर, outward detail, inward detail, सबका comparison तो अभी भी होगा सर, but देखो इन्होंने क्या बोला, so shows that there are significant differences or anomalies indicating contravention of the provision of CGST or the rules there under, leading to a cancellation of registration of the said person, और ये point add कर दिया, कौन सा ये point, bank का, पहले बैंक डिटेल्स वाला पॉइंट नहीं था, अब बैंक डिटेल्स वाला पॉइंट भी डाल दिए, तो मतलब अगर आपने बैंक डिटेल्स 30 डेज के अंदर नहीं दिए तो कैंसिलेशन की बात आ जाएगी सर, आई बात समझ। और कैंसिल करने के पहले आपको एक बार मौका दिया जाएगा सर कि आपका रजिस्ट्रेशन क्यों ना कैंसिल किया जाए सर, बट पहले ये बैंक वाला पॉइंट नहीं था ना, पहले ये बैंक वाला पॉइंट नहीं था, मतलब मान लिया अगर पहले मैं बैंक डिटेल्स नहीं भी देता था तो तू मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं कर पाती थी, ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं होता था, अब ऑटोमेटिक प्रोसीजर में मेरा बैंक डिटेल नहीं देने पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, आई बात समझ, बैठा है दिमाग में, प्रोसीजरल है, थ्योरिटिकल क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिकल नहीं आएगा इससे, थ्योरिटिकल क्वेश्चन आएगा इससे कि आपसे बैंक डिटेल्स आपने प्रोवाइड नहीं किए तो क्या रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक कैंसिल होगा, यस। मान लो बाद में हमने बैंक डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए तो क्या हमारा जो रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ था क्या वापस वो सस्पेंशन रिवोक हो जाएगा, यस वैलिड हो जाएगा, आई बात समझ। नहीं सिस्टम 30 डेज तो टाइम देगा ना, बैंक डिटेल्स देने का मेरे पास 30 डेज का टाइम देना है, 30 डेज तक तो तू वैसे भी कैंसिल नहीं कर सकती ना, 30 डेज तक तो मेरे पास टाइम है कि मैं बैंक डिटेल्स दे सकता हूँ, मैं दे ही नहीं रहा हूँ, मैं दे ही नहीं रहा हूँ तो मेरा रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर देंगे। फिर अगर मान ले 41 डे में जागा और अचानक से बैंक डिटेल्स दे दिया तो जो सस्पेंड हुआ था मेरा रजिस्ट्रेशन वापस रिवोक हो जाएगा और फिर से मैं जीएसटी में काम कर सकता हूँ, ठीक। अगला देखो सर, टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, समझाता हूँ सर ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। पहले क्या होता था, मान लो मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, मैं सरकार के पास दौड़ के जाता था, सरकार मेरा रजिस्ट्रेशन आप गलती से कैंसिल कर दिया, उसको ठीक कर दो। ये जो सरकार के पास दौड़ के जाने का टाइम पीरियड था वो मेरे पास 30 डेज था, उसको फर्दर 30 डेज और एक्सटेंड कर सकते थे, वो कमिश्नर आएंगे 30 डेज और एक्सटेंड हो जाएगा, पर दिक्कत ये ना सर 30 दिन बहुत कम है, अगर मैं बाहर हूं तो कुछ इमरजेंसी है तो कैसे करूं। सरकार ने बोला छोड़ो कचर कचर, हम आपको 90 डेज का टाइम पीरियड देते, पहले मेरे पास 30 डेज टाइम पीरियड था जाने के लिए, अब मेरे पास 90 डेज टाइम पीरियड है जाने के लिए मेरे पास, और सरकार बोली अगर तूने वैलिड रीजन दिया, सफिशियंट ग्राउंड्स हुए तेरे पास, तो ये 90 डेज को हम 180 डेज तक भी एक्सटेंड कर देंगे, तो ये अच्छी बात है मेरे लिए, जो मेरा रजिस्ट्रेशन पहले भक से कैंसिल होता था वो भक से नहीं होगा, मैं दौड़ जाऊंगा बचा लो मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल मत करो, क्योंकि किसी का एक बात याद रखना, एक बार किसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया ना वो सेम नाम नंबर से दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं ले पाओगे आप, तो इसलिए बहुत डेंजरस चीज है, इसलिए इन्होंने टाइम एक्सटेंड कर दिया आपके लिए, आई बात समझ। बेटा दिमाग में ये 90 डेज और 180 डेज की कहानी समझ आई, तो पहले कितना होता था 30-30 वाली कहानी थी सर, अब इन्होंने एक्सटेंड करके क्या कर दिया सर 90 डेज की कहानी कर दी, आपको विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज देगा जाएगा सर, समझ आया, ध्यान रहेगा, ध्यान रखना सर, अब विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिस दिन से वो ऑर्डर पास करेगा उसके 90 डेज के अंदर आप जा सकते हो और भीख मांग सकते हो कि मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल मत कर, और ये 90 डेज फर्दर एक्सटेंड हो सकता है कितने तक, 180 डेज तक, आई बात समझ, आई बात समझ, नॉट एक्सीडिंग दिया याद रखना, एमसीक्यू में पूछ सकता है सर, और मैं बता रहा हूँ बेहद चांसेस है इसका एमसीक्यू में पूछने के, बेहद चांसेस है 90 डेज को गारंटीड, क्योंकि ना वो जानबूझ के देखेगा, चेक करेगा कितने बच्चे अमेंडेड पढ़ के आए नहीं आए, पुराना बच्चा इसको 30 पढ़ा होगा, नया बच्चा 90 पढ़ा है, बहुत प्यारे चांसेस है एमसीक्यू में पूछने के, बेहद प्यारे चांसेस। ये रहा अब 90 डेज देगा और जिसको फर्दर एक्सटेंड 180 डेज तक कर सकते हैं।
अरे मैं शीट दूंगा बंदे को तो बोला तो है, पॉइंट तो है, वैलिड पॉइंट। एक लौता हूँ क्लास में। लड़कियां ज्यादा है, पीट देगी, मैं तेरे को बता रहा हूँ, बाकी तू देख ले। कुछ नहीं होता, 7-8 बजे तक तो चलता है। हाँ बस हो गया, चलो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट। देखो सर, सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम फॉर अ पर्सन सप्लाइंग ओआईडीआर सर्विसेज ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटा एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट आर ऑल्सो मेड एप्लीकेबल फॉर अ पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन मनी गेमिंग फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया। इसको हाँ, पबजी वाले लोग जो भी बाहर से इंडिया में गेमिंग वगैरह की सब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सबको घसीट दिया सर। नहीं तो इन लोग मना थोड़ी कर रहे हैं, आप सब खिलाओ, अब तुम सब करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम जीएसटी लेंगे। सुनो सुनो, अरे हम जीएसटी लेंगे, हम आपसे पूरी डिटेल्स लेंगे, आपको जो करना करो ना, खिलाओ ना, मना थोड़ी कर रहे हैं। देखो, रूल 8 हैज बीन अमेंडेड टू एक्सक्लूड अ पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन टू अ पर्सन इन इंडिया फ्रॉम डिक्लेयरिंग हिज पैन। इंडिया के बाहर वाले आदमी को बोले तू पैन मत दे, ठीक है, एंड स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी फॉर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन। इंस्टेड इसको क्या बोला गया, ध्यान दो, द सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम अर्लियर प्रिस्क्राइब फॉर ओआईडीआर अब वो इनके लिए भी एप्लीकेबल कर दिए। तो एक स्टूडेंट बोला सर ओआईडीआर के लिए रजिस्ट्रेशन की क्या सर्विसेज थी, वो आपके सिलेबस में एप्लीकेबल नहीं है, इंटर में है ही नहीं, फाइनल में। OIDR मतलब ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन डाटा एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज। जब कोई बाहर वाला इंडिया के डाटा को एक्सेस करता है और डाटा को एक्सेस करके यहाँ मार्केटिंग करता है, यहाँ पर जैसे बहुत सा इंस्टाग्राम क्या कर रहा है, हमारे डाटा इस तो यूज कर रहा है, OIDR सर्विसेज, गूगल, बहुत सारे। आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, अदरवाइज फाइनल में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि पूरी दुनिया बाहर से हमारे डाटा को ही तो एक्सेस कर रही है, उनको कैसे पता चल रहा है कि हम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। स्नैपचैट को क्या पता हम अगला क्या देखने वाले हैं, पूरे डाटा इस तो एक्सेस हो रहे हैं सर। आप इंस्टाग्राम में कुछ देखो, अगर आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम कनेक्टेड है तो अगला एड भी आपको फेसबुक में वही एड दिख जाएगा। अब हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो वाला चला इसमें लड़ना चालू कर दिए, ठीक। तो ये चीज हो रही है, तो क्यों इन लोगों को कैसे पता चल रहा है, हमारे ही तो डाटा एक्सेस कर रहे हैं ना इसलिए, ठीक है। देखो, unregistered person with an aggregate turnover up to threshold limit permitted to supply goods through an e-commerce operator. Special procedure to be followed by the e-commerce operators in respect to the supply of goods through them by such unregistered person. हाँ, वर्तमान सर Amazon से बुक बेच रहे हैं, e-commerce operators goods बेच रहे हैं, unregistered person। देखो सरकार ने क्या बोला, ठीक है, ध्यान देना, बहुत सिंपल है ये, हम TDS TCS में पढ़ चुके हैं। TCS में हमने इसको पढ़ा था सर, जहां पर हमने बहुत अच्छे से सीखा था कि ई कॉमर्स ऑपरेटर है उसी को पकड़ के बोलते हैं तू ही कर पे सब चीज, क्योंकि जो आदमी है पीछे वाला वो तो छोटा सा आदमी है, उसको नहीं पकड़ते हम। बट TCS में वो ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या करता है, TCS कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को जमा करता है सर। हम छोटे आदमी को छोड़ देते हैं कि भैया तू छोटा आदमी, तेरे से कहां TCS CCS का चकल्लस पालेंगे सर। देखो, ये उसी चीज को थोड़ा सा इलैबोरेट करके बता रहे हैं। देखो, एज पर सेक्शन 24, पर्सन हु सप्लाइज गुड्स और सर्विसेज अदर देन दोस नोटिफाइड अंडर सेक्शन 95, रिवर्स चार्ज वाले लोग उनको बाहर किए, थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट TCS। TCS कौन कलेक्ट करता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर, हम पढ़ के आए अंडर सेक्शन 52, इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी। ई कॉमर्स ऑपरेटर वालों को, वैसे भी हम पढ़ के आए सर, सेक्शन 24 बोलता है कि TDS TCS वालों को तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना है। However, person making supply of services through an e-commerce operator other than those in reverse charge are exempted from obtaining registration. Services को e-commerce operator के through दे रहा है, तो वो exempted होता है registration के लिए, up to turnover जो भी है 20 lakh और 10 lakh in case of specified category state. No such exemptions was available for persons supplying goods through such e-commerce operator.
जो आदमी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स सप्लाई कर रहा था उसके लिए कोई एग्जेम्पशन नहीं थी, सर्विसेज वालों के लिए टर्नओवर की लिमिट थी। थस एज पर द प्रिलिवेंट प्रोविजन अनरजिस्टर्ड पर्सन हु आर नॉट परमिटेड टू मेक सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस हाउएवर अदर सप्लायर्स सप्लाइंग गुड्स offline were allowed exemption from registration up to the मैं आजियो ऐप है वहां से अगर कुछ बेच रहा हूँ गुड्स तो मेरे को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना है। और अगर मैं सर ऑफलाइन बुक बेच रहा हूँ किसी को तो सरकार बोलती है तुम्हारे पास लिमिट है सर 20, 10, 40 डिपेंड अपॉन द केसेस। तो सर अच्छा सर्विसेज में मेरे पास है, अगर मैं ऑनलाइन सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मैं बच रहा हूँ, मेरे पास लिमिट है। तो जो मर रहा है वो कौन है? गुड्स वाले। सरकार ने चेंज किया, सरकार ने बोला भैया कोई अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, अगर वो इंटरस्टेट प्रोवाइड कर रहा है तो हम उसको बेनिफिट देते हैं, जो भी तेरी एग्जेम्पशन लिमिट है तू ले ले। बट अगर इंटरस्टेट किया सप्लाई ऑफ गुड्स तो भैया तुम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में, क्योंकि इंटर स्टेट हम हमेशा से पढ़ के आए कि कोई अगर सप्लाई करता है गुड्स का तो उसका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, सेक्शन 24 का पहला क्लॉज यही है। इन्होंने देखो यही बोला, इंटर स्टेट मतलब विद इन द स्टेट, छत्तीसगढ़ का मैं छत्तीसगढ़ में ही बेच रहा हूँ, मान ले मैंने एक ऐप बनाया एक प्लेटफॉर्म बनाया हाँ यहाँ का यही करूंगा मैं, बाहर गया सरकार बोली बैठ भैया रजिस्ट्रेशन की बात है। ठीक है मैं पढ़ूंगा तेरा क्लियर हो जाएगा डाउट, समझ गया, बट मैं पढ़ूंगा तो क्लियर हो जाएगा, एक बार पढ़ान दे क्लियर हो जाएगा, उसके बाद भी रहेगा पक्का क्लियर कर दूंगा। देखो कंसिक्वेंटली इट वॉज डिसाइडेड टू प्रोवाइड एन एग्जेम्पशन अप टू अ थ्रेशोल्ड लिमिट टू द सप्लायर सप्लाइंग गुड्स ऑनलाइन थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स प्रोवाइडेड दे आर मेकिंग ओनली Since interstate supply of goods has to otherwise obtain compulsory, interstate में तो compulsory है जन्मों से हम पढ़ रहे हैं। The GST Council in the 47 meeting had in principle approved the scheme of the following unregistered person to make supply of goods through e-commerce operator. They would be required to declare their दो चीजें चेक करेंगे, एक पेन और एक तरह principal place. Principal place क्यों पता करना चाहते हैं? ताकि ये पता चले इंटर है कि इंटर है, और तेरा पेन नंबर क्यों चाहिए? ताकि तेरा टर्नओवर चेक कर सके। साले तू इनकम टैक्स के हिसाब से टर्नओवर 1 करोड़ बताता है और जीएसटी में टर्नओवर 20 लाख बताता है, तो ऐसे कैसे होगा भाई? सरकार बोली बता तेरा पैन नंबर ले हम चेक कर लेंगे, क्योंकि पैन नंबर से तो पूरी डिटेल्स खुल जाएगी सर। तो वो वही बोल रहे सर, डिटेल ऑफ दिस सप्लाई मेड बाय द अनरजिस्टर्ड पर्सन थ्रू देयर पैन विल बी गिवन इन जीएसटीआर 8 फाइल बाय द ई-कॉमर्स ऑपरेटर, इन सच केस द टोटल सप्लाई अप्रोचेस द थ्रेशोल्ड लिमिट इट विल बी फ्लैग्ड टू द कंसर्न सप्लायर। भैया तुम्हारा लिमिट क्रॉस कर रहा है तुम देख लो, टू टेक रजिस्ट्रेशन क्रॉस कर गया चुपचाप रजिस्टर करो सर। ठीक है एंड टू द ऑफिसर फॉर द इन्फॉर्मेशन फर्दर द सप्लायर विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे एनी टैक्स अप टू द सप्लायर थ्रेशोल्ड लिमिट। और उस केस में टीसीएस की भी बात नहीं आएगी सर, जितनी थ्रेशोल्ड लिमिट है वहां तक टीसीएस की भी बात नहीं आएगी। अकॉर्डिंगली विद इफेक्ट फ्रॉम दिस 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 प्रोवाइडेड दैट द पर्सन मेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू e-commerce operator is required to collect TCS having an aggregate turnover in the preceding financial year in the current financial year not exceeding threshold limit in accordance with the provision of section 22 are exempted from obtaining registration subject to following condition. Condition kya hai? Interstate nahi hona chahiye sir, interstate to hona hi nahi chahiye sir. Such person not making supply of goods through e-commerce operator in more than, ये तो बात आती है सर, एक से ज्यादा स्टेट में तो कर ही नहीं सकते। Such person is required to furnish his pen number दे सर, पैन नंबर तो देना ही पड़ेगा ना, नहीं तो चेक कैसे करेंगे सर। ठीक है आपको एड्रेस देना पड़ेगा प्लेस ऑफ बिजनेस का, इसके बिना पता कैसे चलेगा इंटर हो रहा है कि इंट्रा हो रहा है सर। ठीक है और किस जगह में आप अपने गुड सप्लाई करना चाहते हो ये भी बताना पड़ेगा, आई बात समझ। फिर सच पर्सन शैल बी ग्रांटेड एन एनरोलमेंट नंबर, उसको एनरोलमेंट नंबर ग्रांट किया जाएगा। ठीक है सच पर्सन शैल नॉट बी ग्रांटेड मोर देन 1 एनरोलमेंट नंबर, ये हम पढ़ चुके, ये टीसीएस वाले चैप्टर में हमने इसको कवर किया है सर, आई बात समझ। अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, टीसीएस वाले चैप्टर में ये पूरा कवर हो चुका है, अलग से मत पढ़ना इसको, सेम है बाकी बातें। तो हमारे एग्जाम के लिए क्या बात याद रखनी है कि सर अगर कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर से गुड सप्लाई कर रहा है एक ही स्टेट के अंदर कर रहा है तो उसके पास भी थ्रेशोल्ड लिमिट है एग्जेम्पशन की। सर अगर स्टेट चेंज हो गया ना सर तो फिर उसके लिए कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, चुपचाप कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24 कराना पड़ेगा, आई बात समझ।
बैठा दिमाग में, ये जो प्रोसीजर है हम टीसीएस में पढ़ चुके हैं, अलग से नहीं पढ़ना। स्पेशल प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू देम बाय कंपोजिट कंपोजिशन टैक्स पेयर, याद है ये कौन थे? अरे याद है कंपोजिशन टैक्स पेयर्स सर, इन लोग तो क्रेडिट भी नहीं लेते, और इनके लिए अलग ही रिक्वायरमेंट होती थी। ये पूरा हम टीसीएस में पढ़ चुके हैं, कुछ ज्यादा नया नहीं है सर, ध्यान देना सर। इन्होंने क्या बोला देखो, विद द फाइनेंस एक्ट 2023 अमेंडेड सेक्शन 10 विद इफेक्ट फ्रॉम दिस टू परमिट द कंपोजिशन सप्लायर टू मेक सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय द कंपोजिशन सप्लायर थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर इज स्टिल नॉट परमिटेड। इसको अंडरलाइन कर लो सर, यही तो मेन बात है। ठीक है, टू परमिट द कंपोजिशन सप्लायर्स को सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर अलाउ किया गया, कंपोजिशन स्कीम वालों को सप्लाई ऑफ सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर अलाउ नहीं किया गया। इसका प्रोसीजर दिया हुआ है, ये प्रोसीजर हमने पहले ही रीड किया, ठीक है, अबे काटना नहीं है, पढ़ना है इसको। ये काट ही देगी, ये पक्का काट देगी, मैं बता रहा हूँ, इसीलिए भैया मैं काटा नहीं हूँ इसको, इसको पढ़ना है भैया। ये हम वैसे ही टीसीएस में कवर कर चुके हैं, उस चैप्टर में ये कवर्ड है, बट स्टिल इसको पढ़ना है, ठीक है। अगला टैक्स इनवॉइस, इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट सर मैंने बताया था, ये पहले भी क्लासेस में रेगुलर मैंने बताया है सर। पहले लिमिट 20, 10, अब कितनी हो गई? 5। आप अपने एग्जाम्स के लिए इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट कितनी याद रखेंगे? 5 करो, ठीक है, ध्यान रहेगा। अगला देखो सर, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इनवॉइसिंग टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पीएसयूज एक्सेट्रा रजिस्टर्ड सोली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 51। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, याद है ना सर, टीडीएस कौन डिडक्ट करता है? ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले लोग, याद है ना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लोकल अथॉरिटी इन्हीं को तो कवर किए थे सर। तो इनको बोला गया, भैया सुनो, अगर आप रजिस्टर्ड हो ना तो आप लोगों के लिए भी इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होगी। ऐसा नहीं है कि आप इनवॉइसिंग से बच जाओगे, प्रोवाइडेड लिमिट एक्सीड करना चाहिए। देखो सर, द इशू विच अरोज फॉर कंसिडरेशन वॉज वेदर इनवॉइसिंग इज एप्लीकेबल फॉर सप्लाईज मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन हुज टर्नओवर एक्सीड द थ्रेशोल्ड फॉर जनरेशन ऑफ इनवॉइस टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लोकल अथॉरिटी वगैरह विच आर रजिस्टर्ड सोली फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस। तो अगर कोई देखो सर, इट इज क्लैरिफाइड दैट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और establishment, government agency, local authority which are required to deduct TDS under section 51 are liable for compulsory registration hota na sir inka, therefore government department or establishment, government agency, local authority, PSUs registered solely for the purpose of deduction of tax TDS as per the provision of section are treated as तो अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को सप्लाई कर रहे हो और अगर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड कर दी है सर, तो उस केस में आपके ऊपर इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट है सर। आई बात समझ आया? किसकी बात हो रही है थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड करने की, गवर्नमेंट की सामने वाले की? सामने वाले की। गवर्नमेंट तो वैसे ही कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में, ध्यान रहेगा ना सर, गवर्नमेंट तो वैसे ही कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में। हाँ, 5 करोड़, ठीक है। In cases involving supplying of online money games services provided by or through e-commerce or by supplier of OIDR services to unregistered recipient, tax invoice to contain the detail contain the name of the state irrespective of the value of supply. Simple सा amendment है sir, बहुत simple सा amendment है। Online gaming की services है, OIDR services है, ये सब through अगर आप e-commerce operator provide कर रहे हो, तो इन्होंने बोला sir आपको state बताना पड़ेगा कहाँ पर आप supply कर रहे हो services। सिंपल रूल 46 है, छोटा सा अमेंडमेंट है, बट थियोरेटिकल क्वेश्चन इससे आ सकता है सर। इन्होंने क्या बोला देखो, टैक्स इनवॉइस इशूड बाय रजिस्टर्ड पर्सन शैल कंटेन वेयर द रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड, तो पूरी एक एक डिटेल लगेगी, नेम, एड्रेस, जीएसटीएन नंबर, हर एक चीज। अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो पहले चेक करो सर वैल्यू क्या 50,000 से एक्सीड कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर वैल्यू 50,000 से एक्सीड कर रही है या 50,000 है, तो सरकार बोली भैया नेम, एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट एंड एड्रेस ऑफ द डिलीवरी along with the name and name of the state and its code, और अगर 50,000 से exceed नहीं करती है, तो इस केस में बोलते हैं sir contain the name and address of the recipient
address of the delivery along with the name of the state and its code along only when the recipient requests that such details to be recorded in the tax invoice. अगर recipient request करेगा तो इतने details का कचर कचर पालना है, अगर recipient request नहीं करेगा तो आपको details का मतलब कचर कचर भी पालना नहीं है, ठीक है. Proviso to clause F, earlier provided for mandatory recording of name and address of the unregistered recipient of service along with the PIN code, name of the state and the said address deemed to be the address on record of the recipient. When the said services are provided to or by through a e-commerce operator or by a supplier of OIDAS services to an unregistered person, even if the value of supply does not exceed 50,000. Said proviso has been amended. इन्होंने amend किया. पहले क्या होता था, कंपलसरी था, सब चीज देना पड़ता था, नेम एड्रेस ऑफ द अनरजिस्टर्ड पर्सन, रिसिपिएंट, पिन कोड, स्टेट कोड, सब सब बताना पड़ता था. अब इन्होंने चेंज किया और चेंज करके बोला, सर देखो, टू प्रोवाइड द टैक्स इनवॉइस में कंटेन द नेम ऑफ द स्टेट ऑफ द रिसिपिएंट ओनली. और वही उसका क्या मान लिया जाएगा, एड्रेस भी मान लिया जाएगा फॉर द रिकॉर्ड ऑफ द रेसिपिएंट. तो पहले जो कचर कचर था, पिन कोड, पूरी दुनियादारी आपको देना पड़ता था, वो सब चीजें खत्म. नेम ऑफ द स्टेट ऑफ द रेसिपिएंट बताओ, बाकी कहानी खत्म. नेम एंड एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट अलोंग विद इट्स पिन इज नॉट मैंडेटरी. समझ आया? फर्दर, एज सीन अर्लियर, सिंस ऑनलाइन गेमिंग हैज बीन मेड टैक्सेबल विद इफेक्ट फ्रॉम दिस, above provision has been made applicable to the cases involving supplying of online gaming with effect from this. Or dekho, in case of involving supplying of online money gaming or in case of where any taxable services supplied by or through an e-commerce operator or by the supplier of OIDR services to the recipient who is unregistered. Sab bachche hi to game khel rahe ho, sabhi to unregistered ho. Irrespective of the value of supply, a tax invoice issued by the registered person shall contain the वही बात बोला, नेम ऑफ द स्टेट ऑफ द रेसिपिएंट बताना पड़ेगा, बाकी कोई डिटेल्स ना भी बताओ तो चल जाएगा कहानी. उसी को हम एड्रेस मान लेंगे, उसी को सब डिटेल मान लेंगे. ठीक, आओ सर, थोड़ा सही है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सही है. देखो सर, पेमेंट ऑफ टैक्स, क्लेरिफिकेशन ऑन चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 53 इन केसेस ऑफ रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ IGST क्रेडिट एंड रिवर्सल देयर ऑफ. सर क्या ये हम पहले भी कहीं पढ़े? हाँ सर, हमने ये चीज पहले भी पढ़ी है सर. जहां पर जो आप क्रेडिट को रॉन्गली अवेल करते हो और जितना आपके अकाउंट में बैलेंस बचा है, याद आया, लिख के एग्जांपल दिया था रेगुलर क्लास में सर, जितना आपने रॉन्गली अवेल किया है और जितना आपके अकाउंट में बैलेंस बचा है. अगर आपके अकाउंट में बैलेंस ज्यादा है तो सरकार बोलती कोई दिक्कत नहीं, पर अगर तेरा रॉन्गली अवेल ज्यादा है और तेरे अकाउंट में बैलेंस कम है तो भैया तू बैठ पे डिफरेंस में आ जा, इंटरेस्ट भी देके जाना. याद है रेगुलर क्लासेस में प्रॉपर अच्छे से सिखाया था, ये इसी इशू को देखो बता रहे हैं सर, ध्यान दो. बहुत सिंपल है, कोई टफ नहीं है, सिंपल सी बात है, हम ये पढ़ के आए सर, रूल 88B था सर, ठीक है. चलो देखना, ध्यान देना. इशू विच अरोज फॉर अ कंसीडरेशन आर एज फॉलोज. देखो सर, where in case of wrong availment of IGST credited by a registered person and reversal thereof for the calculation of interest under rule 88B, whether the balance of ITC available in the ECL electronic credit ledger under the head of IGST only needs to be considered or the total ITC available in the electronic credit ledger under the head of IGST, CGST, SGST taken together has to be considered. ये मैंने आपको regular classes में भी बताया था, वापस याद दिलाता हूँ. ये बोल रहा है सर कि जब हम इंटरेस्ट की बातें करते हैं तो इंटरेस्ट के लिए सर सिर्फ जो आईजीएसटी हेड में है, क्या सिर्फ उसको देखें कि सर आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी सबको मिला के देखें सर. देखो सर, सिंस द अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अंडर एनी ऑफ द हेड ऑफ आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी कैन बी यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी लाइबिलिटी, इट इज द टोटल आईटीसी अवेलेबल इन द ईसीएल under the heads of the IGST, CGST, SGST taken together. Then it has to be considered for the purpose of calculation of interest under rule 88B. Sir, ye hum pehle padhe hain, ye naya nahi hai, ye purana hai, ye kuch bhi naya nahi hua hai. And for determining as to whether the balance in the ECL has been fallen and to what extent the balance in the ECL has been fallen. जिसमें भी रॉन्गली अवेल्ड होगा,
ठीक है. Thus, in cases where the IGST credit has been wrongly availed or subsequently reversed on a certain date, there will not be any interest if during the time period starting from the availment and up to the reversal, the balance in the ITC in the ECL under the head of IGST, CGST, SGST taken together has never fallen below the amount of wrongly availed. याद करो regular classes में समझाया था. Wrongly availed 10,000 है. आपके credit ledger में 20,000 पड़ा है. सरकार बोली अबे काय का इंटरेस्ट, पहले तेरा 20,000 तो हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है तू 10 गलत लिया पर 20 तो हमारे पास पड़ा है ना, हम देखेंगे एडजस्ट कर लेंगे, तो इंटरेस्ट वाली बात नहीं आती है सर. इवन इफ द अवेलेबल बैलेंस ऑफ आईजीएसटी इन द इंडिविजुअली फॉल्स बिलो, अगर एक पर्टिकुलर फॉल बिलो भी कर रहा है तो हमें कोई मतलब नहीं, हम तो सबको मिला के देखते हैं सर, ठीक है. हाउएवर where the balance of ITC under the head of IGST, CGST and SGST of ECL taken together fall below the wrongly availed amount of IGST credit, then it will be the amount of utilization of wrongly availed IGST credit and the extent of utilization will be the extent with the total balance in the ECL under the head of IGST, CGST, SGST taken together falls below the such amount of wrongly availed IGST credit and will attract interest as per the section 50. Yaad karo ye hum padh ke aaye the, wrongly availed 20,000, बैलेंस मेरे पास 8,000 पड़ा हुआ है, तो सर 12,000 पे इंटरेस्ट की बात थी, याद है. ये वही बात है सर, ये मैं रेगुलर क्लासेस में प्रॉपर लिख के एग्जांपल के साथ समझाया था सर, ये वही बात है. चलिए कुछ नया बोला ही नहीं मैंने अभी तक, वही चला है. अब देखो बात आगे क्या बोली. वेदर द क्रेडिट ऑफ कंपनसेशन सेस, जीएसटी कंपनसेशन सेस अवेलेबल इन द ईसीएल शेल ऑल्सो बी टेकन इन टू अकाउंट. इन्होंने बोला सर जब आप सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी की क्रेडिट देख रहे हैं, सबको मिला के देख रहे हैं, तो सर जीएसटी कंपनसेशन सेस जो है ना उसमें भी पड़ा हुआ है, क्या उसको भी मिला के देखें. सरकार बोली सुनो, जीएसटी कंपनसेशन सेस का पैसा ना सिर्फ जीएसटी कंपनसेशन सेस को पे करने के लिए यूज किया जाता है. देखो, shall be taken into account while considering the balance in the ECL for the purpose of calculation of interest. इन्होंने बोला देखो, since ITC in respect of compensation cess can be utilized only towards the payment of compensation cess, thus the credit of compensation cess cannot be utilized for the payment of any tax under CGST, SGST, IGST. Accordingly, the credit of compensation cess available in the ECL cannot be taken into account. तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन यही आ सकता है सर कि जीएसटी कंपनसेशन सेस वुड बी कंसिडर्ड फॉर सीइंग द रॉन्गली अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट और रिवर्सल देयर ऑफ. नो, जीएसटी कंपनसेशन सेस विल नॉट बी कंसिडर्ड, ओनली सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी विल बी कंसिडर्ड. ध्यान रहेगा, ये इसका एंड कंक्लूजन है. एग्जाम में तो इतना ही याद रखना है, अभी भले ही कितना भी डिटेल चार बार पढ़ लो बट एग्जाम में तो इतना ही याद रखना है कि जीएसटी कंपनसेशन सेस को कंसीडर नहीं करेंगे. समझ आई बात, आगे बढ़ते हैं. देखो सर, टीडीएस टीसीएस वाला चैप्टर पढ़े थे सर, ठीक है. इन्होंने कुछ छोटे छोटे से अमेंडमेंट है, ज्यादा बड़े नहीं है, एकदम छोटे से. देखो, डिटेल ऑफ टीसीएस फर्निश्ड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर टू बी मेड इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिकली ओनली टू अ रजिस्टर्ड सप्लायर. ये बहुत सिंपल सी क्लैरिफिकेशन है सर, ध्यान दो क्या बोला इन्होंने. अनरजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ सर्विसेज एंड नॉन अनरजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ सर्विसेज आर ऑल्सो अलाउड टू मेक सप्लाईज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर टिल द टाइम देयर टर्नओवर डज नॉट एक्सीड द प्रिस्क्राइब थ्रेशोल्ड लिमिट. क्योंकि जैसे ही थ्रेशोल्ड लिमिट प्रिस्क्राइब से एक्सीड कर जाएगा, इन लोगों को क्या रजिस्टर कराना पड़ेगा. याद रखना, गुड्स और सर्विसेज अब दोनों के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल है. पहले सिर्फ सर्विसेज के लिए थी, अब गुड्स के लिए भी है. या हाँ, गुड्स के लिए तो इंटर है, इंटर हुआ तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, ठीक है. सर्विसेज के लिए तो थ्रेशोल्ड लिमिट इंटर हो, इंट्रा हो, सबके लिए सर, ठीक है. रूल 67 हैज बीन अमेंडेड टू क्लेरिफाई ब्रिंग आउट द डिटेल्स ऑफ द टीसीएस फर्निश्ड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर इन फॉर्म जीएसटी रेट शैल बी मेड अवेलेबल टू द रजिस्टर्ड सप्लायर एज द सप्लाई बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन डू नॉट अट्रैक्ट टीसीएस. देखो सर, अरे the detail of the tax collected at the source under section 52 subsection 1 furnished by the e-commerce operator shall be made available electronically to each of the registered supplier on the common portal after filing of the GSTR 8 for claiming the amount of TCS tax jitna bhi unse collect kiya gaya in their electronic cash ledger. इन्होंने क्या बोला सर, सिंपल सी बात बोली भाई, जितना इनका TCS डिडक्ट हुआ है ना, कलेक्ट किया गया इनसे TCS, वो TCS की पूरी डिटेल्स इनको प्रोवाइड की जाएगी ताकि कल के दिन इन लोग इसको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू यूज कर पाए. समझ आया, आराम से कोई गड़बड़ी नहीं है. आप समझो, जैसे
मैं ये ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू फाइल कर रहा हूँ, मतलब चीजें सप्लाई कर रहा हूँ, तो इन्होंने बोला जैसे जीएसटीआर रेट फाइल करोगे, जैसे जीएसटीआर रेट फाइल हुआ वैसे ही आपने के आपका जितना भी टीसीएस कलेक्ट हुआ था आपसे, वो कलेक्ट क्या हुआ, गवर्नमेंट के पास जमा हो गया। तो जितना भी आपके थ्रू गवर्नमेंट के पास जमा हो गया अब वो आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में दिखेगा, ताकि कल के दिन जब आपकी जो जीएसटी लाइबिलिटी पे करने की बात आएगी आप वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से यूज करके जीएसटी लाइबिलिटी को पे कर लोगे। आई बात समझ? क्लैरिफिकेशन ऑन टीसीएस लाइबिलिटी इन केस ऑफ मल्टीपल ई कॉमर्स ऑपरेटर इन वन ट्रांजेक्शन। दो इश्यूज है इसमें, मल्टीपल ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब समझ लो एक से ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे सर, एक जो परचेस कर रहा है वो, एक जिसके थ्रू सप्लायर सप्लाई कर रहा है वो। आई बात समझ? देखो सर, इशू वन क्या था सर, देखो, इन अ सिचुएशन वेयर मल्टीपल ई कॉमर्स ऑपरेटर्स आर इन्वॉल्व इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड वेयर द सप्लायर साइड ई कॉमर्स ऑपरेटर हिमसेल्फ इज नॉट द सप्लायर। ये सप्लायर नहीं है, सप्लायर कोई अलग है, ठीक है। हु इज लायबल फॉर कंप्लायंस अंडर सेक्शन 52? 52 क्या है सर? टीसीएस। अब बात ये हो रही है टीसीएस कौन कलेक्ट करे, समझ आ रहा है? दो देखो, दो ई कॉमर्स ऑपरेटर, एक ये लड़ाई है कि ये कलेक्ट करेगा कि ये कलेक्ट करेगा। देखो क्लैरिफिकेशन, इन सच ए सिचुएशन वेयर मल्टीपल ई कॉमर्स ऑपरेटर आर इन्वॉल्व इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड वेयर द सप्लायर साइड ई कॉमर्स ऑपरेटर, इसकी बात हुई, हिमसेल्फ इज नॉट द सप्लायर ऑफ सेट गुड्स एंड सर्विसेज, द कंप्लायंस अंडर सेक्शन 52 इंक्लूडिंग कलेक्शन ऑफ टीसीएस इज टू बी डन बाय द हु फाइनली रिलीजेस द पेमेंट टू द, मैं पे इसको करूंगा, इससे इसके पास जाएगा, इससे इसके पास जाएगा। तो सरकार बोली ये टीसीएस कलेक्ट करेगा सप्लायर से और गवर्नमेंट को पे करेगा। आई बात समझ? ये एग्जाम्पल के थ्रू दिया हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हो, ये उसी चीज को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। इशू टू क्या दे रहा है, देखो, इन अ सिचुएशन वेयर मल्टीपल ई कॉमर्स ऑपरेटर्स आर इन्वॉल्वड इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड द सप्लायर साइड ई कॉमर्स इज हिमसेल्फ सप्लाइंग गुड्स। अबे ये खुद सप्लाई कर रहा है बे, और यही ई कॉमर्स ऑपरेटर है। ऊपर अलग अलग थे, ऊपर सप्लायर अलग था, ई कॉमर्स ऑपरेटर अलग था, नीचे सप्लायर ही ई कॉमर्स ऑपरेटर है। तो इस केस में देखो इन्होंने क्लैरिफिकेशन क्या दिया, तो देखो क्लैरिफिकेशन क्या है, इन सच अ सिचुएशन टीसीएस इज टू बी कलेक्टेड बाय द, ऐसे याद रखना, सप्लायर और सप्लायर का ई कॉमर्स ऑपरेटर अलग है, तो सप्लायर साइड ई कॉमर्स कलेक्ट करेगा। अगर सप्लायर और सप्लायर ई कॉमर्स ऑपरेटर एक ही है तो कौन करेगा, बायर साइड ई कॉमर्स ऑपरेटर। समझ आया जी? चलो चलो अगला देखो, टैक्स ऑन पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज बाय ओमनी बस एक्सेप्ट वेयर द पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर इज अ कंपनी पेबल बाय। इन्होंने बोला सर अगर ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर सर्विसेज है तो नॉर्मली कौन पे करेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर, बट अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर कंपनी रही तो क्या करेंगे, चलो आओ, मजा आएगा, ध्यान देना, मजा आएगा, देखना अभी सब आएगी, ओमनी बस उठवाना है ना लड़के को, देख चलो कौन बोलती है, ध्यान दो, द गवर्नमेंट मे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल notify special category of services the tax CGST SGST IGST on supply of which shall be paid by the e-commerce operator if such services are supplied through it, dekhna sir maza aayega, such services shall be notified on the recommendation of the GST council this yaad hai reverse charge, ye hum reverse charge mein padh ke bhi aaye hain, e-commerce operator ke through radio taxi ola uber ye sab example bhi diya tha main aapko, theek hai। dekho sir notification this has been amended and has notified the special category of services the tax on supply of which shall be paid by the if such services are supplied through e-commerce operator, dhyan do, one of such notified category of service is services by way of transportation of passenger by radio taxi motor cab maxi cab motorcycle omnibus or any other motor vehicle with effect from 2010
2023 सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय ओमनी बस, सर इसको अलग से किए, हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द अबव एंट्री, हटा दिए इसको, एंड अ सेपरेट कैटेगरी ऑफ सर्विसेज हैज बीन इंट्रोड्यूस फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय ओमनी बस, दिस हैज बीन अंडरटेकन एज फॉलोज, देखो पहले क्या था बाद में क्या हुआ, अबव कैटेगरी ऑफ सर्विसेज हैज बीन अमेंडेड एज अंडर, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल और एनी अदर मोटर व्हीकल एक्सेप्ट, पहले ओमनी बस साथ में थी, अब ओमनी बस को बाहर किए। फर्दर फॉलोइंग न्यू कैटेगरी ऑफ सर्विसेज हैज बीन इंट्रोड्यूस, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय ओमनी बस एक्सेप्ट वेयर द पर्सन सप्लाइंग सच सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर इज अ कंपनी, वो होती है जो कंपनी एक्ट के हिसाब से होती है सर। Thus, with effect from 2010-2023, the tax on services by way of transportation of passenger by a omnibus provided by a company through e-commerce operator is not payable by. तो इन सब केसेस में कौन पेबल करे? अबे बे बे बे, इन सब केसेस में e-commerce operator. ये सब केसेस में e-commerce operator. और omnibus के केस में it will be payable by the company itself. किसके थ्रू पेबल नहीं है? ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू पेबल नहीं है। कौन पे करेगा? कंपनी। आई बात समझ? लास्ट 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 लास्ट, बहुत छोटा सा अमेंडमेंट है, खत्म हो जाएगा सर। रिटर्न में क्या बोल रहे हैं देखो, एडिशनल केसेस प्रिस्क्राइब वेयर इन अ रजिस्टर्ड पर्सन इज डीबैरेड फ्रॉम फर्निशिंग डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लायर। सर जहां पर आपको जीएसटी आर वन और आईएफएफ की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे, ये रोक रहे हैं। हम पहले ही कुछ केसेस पढ़ के आए थे सर, जहां पर आप जीएसटीआर 3 भी फाइल नहीं करते हो, मंथली क्वार्टरली वाली फाइल नहीं करते हो, वो सब हम केसेस पहले भी पढ़े थे। इसको मैंने रेगुलर क्लासेस में भी कवर किया था। इन्होंने सर दो केसेस कवर किए सर, एक्स्ट्रा दो केसेस ऐड किए सर, और एक्स्ट्रा दो केसेस ध्यान दो सर। एक रूल 88D याद है, 88D पढ़े थे रूल, जहां पर आपका जो जीएसटीआर में 2AB फाइल 2A 2B में जो आपका क्रेडिट दिखता है सर, और जो GSTR 3B में आप पे कर रहे हो सर, दोनों में डिफरेंसेस है। याद आया? रूल 88D होता था सर, जहां पर 88D में हमने क्या बोला था, सर मैं जो GSTR 3B में पे कर रहा हूं और जो मेरा क्रेडिट मेरे को मिलना चाहिए था ऑटो जनरेटेड के कारण, उसमें डिफरेंसेस है। अगर वो डिफरेंसेस आ रहे हैं, और अगर वो डिफरेंसेस को या तो आप 7 दिन के अंदर पे कर दो, सरकार बोलती थी, और नहीं पे करना है ना तो हमसे आओ और अपील में फाइल कर, मतलब लड़ाई करो हमसे, हमको रीजन दो क्या गड़बड़ है, क्यों डिफरेंसेस आए, तुमने पे कम किया, तुम्हारा ऑटो पॉपुलेटेड ज्यादा दिख रहा है, तुमको ज्यादा पे करना था, कम क्यों पे किए, डिफरेंसेस क्यों है, ये आपको प्रूव करना है। याद आया 88D? इन्होंने देखो क्या बोला। अरे मैं इतना याद, रूल 59(6) स्टिपुलेट द केस वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन इज डीबैरेड फ्रॉम फर्निशिंग डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन जीएसटीआर 1 एंड आईएफएफ, सेड रूल हैज बीन अमेंडेड टू प्रोवाइड दैट अ रजिस्टर्ड पर्सन विल नॉट बी अलाउड टू फर्निश जीएसटीआर 1 आईएफएफ अनलेस ही हैज रिवर्स्ड। सर या तो आप रिवर्स कर दो, या तो आप रीजन बता दो भैया डिफरेंसेस क्यों है। रूल 88D पढ़े हम, एंड ही हैज नॉट फर्निश्ड द डिटेल ऑफ बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट की डिटेल कितने दिन के अंदर? 30 डेज। न्यूली क्लॉज इंसर्ट हुए ENF, ध्यान दो सर, अ रजिस्टर्ड पर्सन टू हूम एन इंटीमेशन हैज बीन इशूड अंडर रूल 88D इन रिस्पेक्ट ऑफ द टैक्स पीरियड और पीरियड्स शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश जीएसटीआर और आईएफएफ unless he has entirely paid the amount equal to the excess ITC। भैया तुमने ITC excess कैसे ले लिया? या तो pay कर दे, या तो लड़ ले। Pay कर लेगा तो भी हम खुश, लड़ लेगा तो भी खुश, पर दोनों ही नहीं किया तो तेरे को अगले महीने का GSTR 1 file करने नहीं देंगे। आई बात समझ? दूसरा सर भयानक important है, विश्वास रखो, एग्जाम में इससे बेहद, मैं लिख के दे रहा हूं, बेहद चांसेस है 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने के, कि व्हाट आर द केसेस वेयर जीएसटीआर 1 आर नॉट अलाउड टू बी फाइल या आईएफएफ फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल, बेहद चांसेस है। ये दो ऐड हुए ई और एफ,
अगर ई और एफ ऐड हुए हैं तो ए बी सी डी भी होगा सर, चार और दो छह केसेस हो गए हैं सर, बहुत ज्यादा चांसेस है ये एग्जाम में आने के, बेहद चांसेस, इसको छोड़ना मत, मजाक मत करना इसके साथ, आई बात समझ, इसको एकदम अच्छे से याद रखना सर, भयानक इंपॉर्टेंट है सर। एक आपने रूल 88 डी के हिसाब से पेमेंट नहीं किया, दूसरा आपने बैंक डिटेल फर्निश नहीं की, ये दोनों केस में आपको अलाउ नहीं करेंगे सर, क्रिस्टल क्लियर, आईएफएफ अलाउ नहीं करेंगे। लास्ट, रिटर्न फ्रॉम जीएसटीआर पाई पे कंटेन डिटेल ऑफ सप्लाई मेड बाय द ओआईडीआर सर्विसेज प्रोवाइडिंग सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू अ रजिस्टर्ड पर्सन इन इंडिया, या फिर सर ऑनलाइन गेमिंग वाले लोग जो बाहर से इंडिया में गेमिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, इन्होंने क्या बोला देखो सर, अर्लियर रूल 64 स्टिपुलेटेड एवरी रजिस्टर्ड पर्सन प्रोवाइडिंग OIDR services, सिर्फ OIDR वाले कवर थे, अब इन लोग क्या किए ऑनलाइन गेमिंग वालों को भी कवर कर दिए, ठीक है। तो देखो सर क्या बोल रहे, विद इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2023 रूल 64 हैज बीन अमेंडेड टू इंक्लूड द डिटेल ऑफ सप्लाईज मेड बाय द OIDR services provider located outside India to a registered person in India other than non-taxable online recipient in respect for tracking of payment on a reverse charge basis by a registered taxpayer, further a registered person providing online gaming services, इसको भी ये फाइल करना है सर, आ सकता है एमसीक्यू में आ सकता है सर, कि ऑनलाइन गेमिंग वाले के लिए भी जीएसटीआर 5A है सर, ये पहले पता है मैं इंटर वालों को कभी नहीं पढ़ाता था ऑनलाइन जीएसटीआर 5A, क्योंकि सर ओआईडीआर सर्विसेज के लिए होता था और ओआईडीआर सर्विसेज इंटर वालों के लिए एप्लीकेबल ही नहीं होती है सर, अब पढ़ना पड़ेगा सर। रूल 64 प्रोवाइडेड एज फॉलोस, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन एदर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन गेमिंग सर्विसेज या ओआईडीआर सर्विसेज टू अ नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपियंट या टू अ रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपियंट शैल फाइल जीएसटीआर 5A ऑन और बिफोर द 20 ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द कैलेंडर मंथ, सक्सीडिंग द कैलेंडर मंथ मतलब अभी क्या चल रहा है, दिसंबर लास्ट डेट 20 जनवरी, क्लियर हुआ। रूल 88 डी सर, ये मैंने आपको रेगुलर क्लासेस में पूरा डिटेल में समझाया सर, ये क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान रखना, इसको छोड़ना मत, ये एग्जाम में आने के बेहद चांसेस है सर, बेहद चांसेस है कि सर ऑटो जनरेट करके जितना आपका आईटीसी आया है आपने जीएसटीआर 3B में उसमें कम पे किया है, तो सरकार बोलती है ये कम क्यों है, डिफरेंसेस क्यों है, ये जो डिफरेंसेस है ये देखो सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको छोड़ना मत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको छोड़ोगे ना बैंड बज जाएगी सर। मैनर ऑफ डीलिंग इन डिफरेंसेज इन आईटीसी अवेलेबल इन ऑटो जनरेटेड, ऑटो जनरेटेड क्या होता है सर, GSTR 2A 2B याद है ना सर, ऑटो जनरेटेड कंटेनिंग डिटेल ऑफ आईटीसी एंड नॉट एंड दैट अवेल्ड इन द रिटर्न प्रिस्क्राइब, रिटर्न प्रिस्क्राइब कौन सा है, GSTR 3B, इन दोनों में डिफरेंसेस है जिसके कारण आपने कम पे किया है, सरकार बोलती है रीजन बता, आओ इसको देखो, हाँ ये यही है, देखो सर रूल 88 डी प्रोवाइड्स एज फॉलोस, वेयर द अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन द रिटर्न फॉर अ टैक्स पीरियड फर्निश्ड बाय हिम इन जीएसटीआर 3B एक्सीड द आईटीसी अवेलेबल इन टू सच पर्सन इन अकॉर्डेंस विद द ऑटो जनरेटेड कंटेनिंग इन जीएसटीआर 2B, तो सरकार ने बोला भैया सेड रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी गिवन एन इंटीमेशन, या तो तू भाई पे कर दे जितना भी एक्सेस अमाउंट है ना सर, समझ रहे हो ना, किसमें किसमें, ऑटो जनरेटेड में 10,000 है और जीएसटीआर 3B में आपने 2,000 पे किया है, समझ रहे हो, तो सरकार बोल रही भैया गड़बड़ है, या तो आप एक्सेस पे कर दो जो आपने एक्सेस आईटीसी ले लिया है सर, समझ आ रहा है ना, एक्सेस आईटीसी जो ले लिया है वो आप पे कर दो, अगर आप पे नहीं कर रहे हो तो आप रीजन दे दो क्यों नहीं पे कर रहे हो, और ये दोनों चीजें विद इन 7 डेज हो जाने चाहिए सर, आया समझ। अब जब इंटीमेशन मिलेगी तो वो आदमी दो चीजें करेगा सर, या तो पे कर देगा, या तो पे करेगा या तो रिप्लाई करेगा 7 दिन के अंदर, इसको समझो, पहले इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, जीएसटीआर 3B फाइल किया, मेरा 2A 2B के हिसाब से क्रेडिट जितना बनता था उससे ज्यादा मैंने क्रेडिट ले लिया और जीएसटीआर 3B कम पे किया, ठीक है, तो सरकार 7 दिन के अंदर मेरे को इंटीमेशन भेजेगी, तू भैया गड़बड़ किया है ला तू पे कर दे, और पे नहीं कर सकता तो भैया रिप्लाई कर कि क्यों नहीं, ये सरकार आपको 7 दिन के अंदर देगी, उसके 7 दिन के अंदर मैं क्या करूंगा, या तो पे कर दूं या तो रिप्लाई कर दूं सर, ठीक है। देखो सर
अरे शेल पे एन अमाउंट इक्वल टू द एक्सेस ऑफ आईटीसी, पे कर दूं या तो रिप्लाई कर दूं, वेयर एन अमाउंट स्पेसिफाइड इन द इंटीमेशन रिमेन टू बी अनपेड विद इन, अगर आपने पे नहीं किया या तो कोई एक्सप्लेनेशन फर्निश ही नहीं किया, ठीक है, या तो जो एक्सप्लेनेशन दिया वो एक्सेप्टेबल नहीं लग रही है, फालतू लग रही है, द सेड विल बी अमाउंट टू अ डिमांड अंडर सेक्शन 73-74, मतलब आपके खिलाफ इंटरेस्ट और पेनल्टी की बातें आ जाएगी सर। आई बात समझ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं जो बहुत जरूरी है सर। रूल 88D याद करके जाना एग्जाम में, बेहद चांसेस है सर। कुछ केसेस है जहां पर GSTR 1 फाइल नहीं करना पड़ता, मतलब आपको डिबैरिट कर दिया जाता है GSTR 1 से, भयानक इंपॉर्टेंट है, याद रखना सर। कुछ चीजें नहीं छोड़ना, ये सब थियोरेटिकल क्वेश्चन के लिए जिंदा है सर। पिछली बार भी मई में लास्ट क्लास में जो GST का क्वेश्चन आया था थियोरेटिकल आया था, उठा के देख लो सर। मैंने बोला था अमेंडमेंट से क्वेश्चन आएगा और आ गया था, अभी भी वो वैसा ही क्वेश्चन बनने के चांसेस है सर, बेहद चांसेस है। आई बात समझ? ये आपका GST का अमेंडमेंट पूरा कवर हो गया सर, इसके बाद कुछ नहीं बचा है, ठीक है? तो इसका घर बार छीन लेंगे, रिकवरी प्रोसीडिंग हो जाती है आपके खिलाफ, ठीक है? चलो, थैंक यू।